हम जो कुछ भी हैं वो आपकी बड़ी दया के वजह से हैं। खुदावन, कैसे पिछले दिनों पास्टर भाई संदेश लेकर आ रहे हैं प्रभु, पर वो पवित्र आत्मा ही है जो बार बार हमें एक बात समझा रहा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ये बात सच है प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें हर काम करने के लिए आपकी ज़रूरत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सिर्फ आपकी दया पर डिपेंड हैं। लॉर्ड, आपसे दया की भीख मांगते हैं, हम पर रहम करें, हमारे अंदर से स्टोनी हार्ट को निकाल दीजिए और एक नम्र हृदय डालिए प्रभु, जो आपके हर एक वचन पे आमीन बोले, हर एक मैसेज के कोट पे आमीन बोले और आपका स्वागत अपने हृदय में करें, ऐसी दया करें प्रभु। कई बार दुनिया में रहते रहते हमारे हृदय बहुत काले हो जाते हैं, आपकी शक्ल और आपकी आत्मा हमारे अंदर धुंधली पड़ जाती है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वास्तव में इस योग्य नहीं है कि इस बीआरई में हाथ डालें, हम गलत हैं कई जगह पर, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें कोई भी अधिकार नहीं है इस यहाँ पर आने का, लेकिन आपकी दया है पिताजी, और यह महान आपका अनुग्रह है जिसने अभी तक हमें थाम रखा है। नहीं तो हमने बर्बाद होने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, न हमारे बच्चों ने, लेकिन आपका रहम है प्रभु जी। मेरा हृदय वास्तव में बहुत कायल होता है और मैं हमेशा अपने आप को अयोग्य समझता हूँ इस पुलपिट के पीछे, मैं एक राइट इंसान नहीं हूँ, लेकिन तब भी अपने हाथों को आप ही को दिखाता हूँ और आपसे रहम मांगता हूँ प्रभु। आप ही आए हमसे बातचीत करें और हमारी इस ऊटपटांग चाल को ठीक करें, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी नहीं हो पाया, नाउ लॉर्ड यू कैन कम एंड डू इट। फादर वी जस्ट डिपेंड ऑन योर ग्रेस एंड वी लव यू एंड वी रिस्पेक्ट यू। भाई टाइटस को ब्लेस करें जिन्होंने खुदावन आपकी प्रेजेंस के बारे में बताया। लॉर्ड ब्लेस आवर ब्रदर, आप उनको हिम्मत ताकत बख्शी है, अपनी कुवत को भाई मोड़े लिए, पास्टर भाई के साथ रहे प्रभु जी, भाई की कमजोरी को दूर करें, शारीरिक रूप से उन्हें बल प्रदान करें। प्रार्थना करता हूँ अपने प्यारे भाई अमन गुप्ता के लिए प्रभु, भाई की तबीयत खराब है, हमारे प्यारे भाई को आप संपूर्ण चंगाई बख्शें, तमाम बीमारियों से छुटकारा दें, भवन में रिस्टोर करें अपनी भाई माँ के लिए। पिताजी, जबकि हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ भी आप ही रहे हैं, उन्हें आप अपनी बुद्धि प्रदान करें ताकि अपने एग्जामों को अच्छी तरह लिख पाएं, अच्छे नंबरों से पास हो, आपके नाम को महिमा दें। और यदि यहाँ कोई ऐसा है जिसकी मुलाकात आपसे नहीं हुई तो आज शाम को कर ले प्रभु, क्योंकि अब आगे मौका मिलेगा नहीं कि आपसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि खुदावंद ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है और मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप मुझसे बात करें, हम में से प्रत्येक से बात करें, पिछले हफ्ते जो गुनाह हमने किए, पाप किए, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे हृदय को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और इस बियारी में सही रूप से हाथ बढ़ाएं, इस योग्य बनाएं। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश सेक्शन में गीत का नंबर 35, लव लिफ्टेड मी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोग खुश हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आई वॉज सिंकिंग डीप इन सिन, फार फ्रॉम द पीसफुल शोर, वेर इट डीपली स्टेन्ड विद इन, सिंकिंग टू राइज नो मोर। But the master of the sea heard my despairing cry, from the water lifted me, now saved am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help, love lifted me, love lifted me, oh love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live,
ever his praises sing. Love so mighty and so true merits my soul best song. Faithful, loving service to him belong. Love lifted me, yes, Lord, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Jesus completely saved. He will lift you by his love out of the angry wave. He's the master of the sea. He knows his will obey. He your Savior's want to be. Be saved today. Oh, love lifted. Raise your hand. Hallelujah. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Oh yes, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Singing together now. Oh, love lifted me. Grace lifted me. Grace lifted me. When nothing else could help, grace lifted me. Oh, grace lifted me. जीसस उनके अनुग्रह ने थाम रखा है. हालेलुया, थैंक यू जीसस, उनका धन्यवाद हो. किसी पर टेक ना करें. अगर टेक करने का कोई स्थान है तो उनकी दया है. हालेलुया, उनका बड़ा महान रहम है. मैं सुबह संदेश से पढ़ा था एक बड़ी प्यारी बात. भाई बिली पॉल ब्रैनम, जो भाई ब्रैनम के छोटे बेटे थे, एक बार वो भाई ब्रैनम से पूछते हैं, पापा जब आप कलीसिया में आते हो तो आपको सबसे अच्छा सीन कब लगता है चर्च में, जब आप चर्च में आते हैं. कहते बिली तुमने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया. कहते जब मैं देखता हूं कि लोगों के आंसू में आंसू बह रहे हैं और उनकी आंखें गीली हैं और गहरे टूटे हुए, कहते उससे बेस्ट सीन मुझे कोई नहीं लगता कलीसिया के अंदर. कहते लेकिन जेफरसन बिल के साथ कुछ प्रॉब्लम अब होने लगी है. क्या बहुत ज्यादा उनकी आंखें गीली नहीं रहती बिली? वो रोते नहीं है अब, उनका हृदय नहीं टूटता. मैं चाहता हूं प्रभु हमें से वो ऐसा हृदय कोई ना हो. जब हम इस चर्च में घुसे तो चाहे खुशी के आंसू आंखों में हो चाहे गम के, लेकिन हमारे आगे खिली रहने चाहिए और सर झुके रहने चाहिए. प्रभु आपका धन्यवाद हो, हम आपके भवन में आ गए हैं. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, उनका नाम मुबारक हो. हिंदी सेक्शन में गीत का नंबर 146 है, आपके फजल से मसीहा मिल गए नजात. ये आपकी दुआ होनी चाहिए, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए. आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात. आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात. नजात कैसे मिली? नजात मिली कैसे? हमारे कामों से. गाने में क्या लिखा है? आपके, अरे बोलो मुझे क्या लिखा है? आपके अनुग्रह से. हालेलुया, आपके अनुग्रह से. थैंक यू जीसस. आपके फजल
प्रभु ये शु मसीह की हो सदा
बदल दिया जीवन हमारा नहीं मेरा और दिया रूह पाक हालेलुया। ये सब हुआ कैसे? अच्छा हुआ कैसे? सभी दया हालेलुया, ये उनकी महान दया थी जिसने बदल दिया। आमीन। आप सोच के देखें, मैं तो अपने बारे में सोचता हूं कि जिन पैरों के बल पे खड़े पुलपिट के पीछे, कभी यही पैर शराब की वाइन शॉप पर मुझे ले गए। मुझे पता है जिन हाथों में आज माइक है और बाइबल है, कई बार इन्हीं हाथों ने सिगरेट, गंदी मैगजीन्स, ताश के पत्ते सब इन हाथों ने उठाए। आज उन हाथों बाइबल है, आज वो निकम्मे पैर पुलपिट के पीछे है। नहीं, जो कभी सनी में घरों में रॉक बैंड में जाते थे, पैर ले चलते थे हमें, आज वो चर्च के अंदर लेकर आते हैं। ये सब कैसे हुआ? मार्टिन जेम्स, टेल मी ऑल योर ग्रेस। नहीं, हमारे मां बाप में दम था कि हमें संभालते, न हमारे खुद के अंदर, ये तो प्रभु थे महान। नहीं तो किस पर टेक लगाओगे बताओ? नहीं, अपनी काबिलियत पर कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सुपीरियर हूं? नहीं, इनको देखे नहीं, जो ग्रेट था कहता साइमन में तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर नहीं धुलाए। नहीं, ना तूने मुझे किस किया, मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे दिल पे आया, लेकिन तूने मेरा वेलकम नहीं किया। अनवेलकम क्राइस्ट साइमन। लेकिन ये जो वेश्या थी, इसके बहुत पाप थे, और बेटी मैं तुझसे कहता हूँ क्षमा होगा। नहीं, लेकिन साइमन मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा स्वागत नहीं किया। हम में से कोई ऐसा ना हो आप बोले प्रभु अब मेरे दिल में आए। नबी ने बोला इनवाइट हिम एंड ही विल कम, श्योरली कम इफ यू वॉन्ट। हालेलुया, उनका नाम मुबारक होवे। आप लोग बैठ सकते हैं। हमारे बीच में बहुत प्यारी गवाही है, खुदा का धन्यवाद हो। हमारी प्यारी बहन कल्पना है, कल्पना गुप्ता, वो बहन प्रभु की तारीफ में एक टेस्टिमनी देना चाहती है। सिस्टर थैंक यू जीसस। खुदावन जीवनों में काम करते हैं, गवाहियां उपजती हैं ताकि उनकी तारीफ हो। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने खुदा का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ी गवाही खड़ी करी, और ये मेरी गवाही पिछले महीने 19 तारीख की है कि मैं जिनके घर में काम करती हूँ उनके घर में एक फिश का पोट रखा हुआ है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, और मैं 19 तारीख की रात को उनको दाना दे के सो गई। जब मैं सुबह उठ के मॉर्निंग में कमरे में से आई तो मैंने देखा कि उसकी मोटर नहीं चल रही है और दो तीन मछलियाँ बेहोशी पड़ी हैं, लंबी लंबी सांस ले रही, और एक मछली मरी हुई पड़ी है कोने में। मैंने उसको बहुत जगाया लेकिन वो नहीं उठी और वो मर गई थी। मैं देख के अंदर चली गई, अंदर से एक छोटी बहू निकल के आई। मैंने उसको बोला कि दीदी इसमें एक मछली मर गई है, तो बोलती हैं कि आंटी आप ऐसे करना उसको निकाल के फेंक देना। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला और मैं वॉशरूम चली गई। जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे आवाज़ आई अंदर से कि बोल। मैंने प्रभु का धन्यवाद करा और मैं तुरंत आई उठ के, और मैंने वहाँ जहाँ वो मछली कोने में पड़ी हुई थी वहीं हाथ रख के मैंने प्रेयर करी, और मैंने कहा मेरे भाई बहन ने एक मछली को जिलाया था, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने वहाँ हाथ रखा और प्रेयर की। जैसे ही प्रेयर करके मैं हटी और मैंने आमीन बोला, वो मछली बड़ी तेज की उठी और पानी में तैरने लग गई, और उसके बाद
जब वो तीन मछली थी जो बेहोश पड़ी थी वो भी खड़ी हो गई और पानी में तैरने लगी। मैं अपने खुदा का हाथ उठा के बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मेरा खुदा महान है और सच्चा है, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सब बहन भाइयों को। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। मरी मछली मैं तुझसे कहता हूँ तू जीवित हो जा। आमीन। यीशु मसीह का लाज युगान युग से है। हालेलुया है, प्रभु का धन्यवाद हो। एक छोटा सा कोरस है, इसको गाते हैं खुदावंद की तारीफ में और उसके बाद संदेश में चलेंगे। कोरस का नंबर है 261 इंग्लिश में। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। हालेलुया। इससे पहले हम संदेश में जाएं, बियारी में जाएं, आए अपने हृदय को खुदा के साथ सही कर लें। थैंक यू लॉर्ड, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, let's raise our hand, and renew a right spirit within me. Cast me not, Lord. Cast me not away from thy presence, O Spirit from me. Yes, Lord. Restore unto me, amen, the joy of my salvation, amen, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Comfort our Lord. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me, and renew a right Spirit, yes, Father, within me. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Amen. Sweet
the blessing you're giving, and oh, how I need them today. Surrender, Lord. We just welcome you. Lord, please come. Dwell with us, Lord. Forgive our sin and trespasses. Wash with thy precious blood. Because thou art Jehovah Sidkenu, our sacrifice. Thank you, blessed Lamb. We worship you. Thank you, Jesus. Bless the pastor, Lord. Take him. And Lord, speak to our heart. Please, Lord, we just bow down before you. We just surrender, Lord. We do nothing, Lord. We are just nothing people, Lord. You are everything. Lord, help us. Help us, Lord. Please help us. Oh, Abba, Father, you are here, right here. Lord, we know that you are here. Your Holy Ghost is here. We just pray to you, Lord. Wash our hearts for your blood, Lord. And Lord, take us to us home. Thank you. We give you glory and honor. We give you everything what we have, Lord. We just love you. And we depend on your grace. We really depend on your grace. Lord, we really depend on your grace. Help us, Lord. Take our hand. Lord, please help us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are here. Thank you, Jesus. Blessed be thy name. Blessed be thy name. Just close your eyes. Or us mubarak ko sugayenge. Only believe all things are possible. Prabhu se milne ke liye taiyar rahenge. Apni aankhein band rakhenge. Apne hriday ko taiyar karenge. Thank you, Jesus. Wo yahi par hain. Amen. No. भाई आशीष भाई जोशुआ माय जीसस इज एंड ऑल थिंग्स आर माय जीसस
is here, my Jesus is here, my Jesus is here. My Jesus is here. Amen. Humbly we come under your blood, Lord Jesus. दीनता पूर्वक हम आते हैं आपके लहू के नीचे प्रभु यीशु. Nothing moms I bring simply to the cross I claim. कुछ नहीं अपने हाथों मिलाता केवल आपकी सलीब से लिपटता हूं. Rock of ages. हे अब्दि चट्टान. You told Moses. आपने मूसा से कहा My presence shall go with thee. मेरी मौजूदगी तेरे साथ जाएगी. Amen. And there is a place by me. और एक स्थान है मेरे पास. Stand there. वहां खड़ा हो जा. There I'll make you see my glory. जहां से मैं तुझे अपनी महिमा को दिखाऊंगा. Thank you, Father. धन्यवाद हो पिता. You cleft that place on the cross. आपने क्रूस पे उस जगह को फाड़ा खुदावंद. And a place you kept. और एक स्थान को रखा खुदा बाप. Where any sinner can come and have fellowship with you. जहां पर कोई भी पापी खुदा बना के संगति पा सकता है. Under your blood. आपके लहू के नीचे. And so we come tonight. और इसलिए हम आज रात्रि आते हैं. Understanding the solemnity of this hour. इस घड़ी की गंभीरता को समझते हुए खुदावन Knowing this, that these meetings are not just going to go on. ये जानते हुए कि ये सभाएं चलती नहीं रहेंगी मात्र It has to come to an end. एक दिन इनका अंत होना है And there will be a rapture. और एक रैप्चर होगा And the bride of Jesus Christ will be taken home. यीशु मसीह की दुल्हन घर ले जाई जाएगी Prepare us for this soon coming event. इस जल्दी होने वाली घटना के लिए हमें तैयारी दें खुदावन And while we are here, Lord, tonight, और जबकि हम आज रात्रि यहाँ हैं, Let it be our night. ऐसा हो ये रात आज हमारी रात हो Amen, Lord. And we say that you talked with our hearts. कि हमें कह पाए कि आपने हमारे हृदयों से बात की Yes, Lord. And there be many hearts turned to you. और ऐसे कई हृदय हो खुदावन जो आपकी ओर मुड़ जाएं And people who are living under judgments and curses may find grace. और लोग जो कि न्याय और श्रापों के नीचे रह रहे हैं, काश ऐसा हो उन्हें अनुग्रह मिले. May your sweet Holy Spirit. काश आपका प्यारा पवित्र आत्मा. Accept them. उन्हें ग्रहण करे. Is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है. So under your blood we come, Lord. आपके लहू के नीचे हम आते हैं, खुदावन. Break this bread of life. इस जीवन की रोटी को आप तोड़े. And feed thy lambs. और अपने मेमनों को भोजन खिलाए. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen. Amen. Let's open our Bibles to Revelation 21. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में. Amen. Amen. Can somebody put this little up? It's hitting on the face. Revelations 21 and we are going to read verses 1 and 2. प्रकाश वाक्य 21 हम पहली या दूसरी आयत पढ़ेंगे. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु वी जस्ट रेड द वर्ड हमने अभी आपके वचन को पढ़ा है Now you break the bread of life for us. अब कृपया करके आप उस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें And give us to eat from it. और उसमें से हमें खाने को दें In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Under your blood. आपके लहू के नीचे We ask this prayer. हम
हम इस दुआ को मांगते हैं. Amen. 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 God bless you. Can be seated. खुदावन आपको बरकत दे. आप बैठ सकते हैं. It's still hitting the face. Amen. Amen. Yeah. No, it's okay. You put it on. Yeah, that's okay now. Is it hitting you? It's fine. God bless you. Amen. Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम मुबारक हो. Nice to be in His house again. भला है फिर से उसके घर में होना. Amen. To be in His presence. Amen. कि उनकी मौजूदगी में हो. Amen. And to hear from His word. और उनके वचन से सुने. Now tonight we would like to continue on with that subject we have been taking. अब आज रात्रि हम उस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं जिस विषय को हम लेते आए हैं. Can you get me a warm water, brother? I mean, normal. God bless you. So we are into this subject of future home. तो हम इस विषय में हैं भविष्य घर के. And we are trying to see through this subject certain things that God has kept for us. और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस विषय में हो के उन कुछ खास चीजों को देखें जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हैं. And I believe that we have heard many things. और मैं विश्वास करता हूं कि हमने कई चीजों को सुना है. How God has prepared a future home for His bride. कैसे खुदावन ने एक भविष्य घर को अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है. And how He is doing His work even in our lives today. और कैसे वो यहाँ तक कि हमारे जीवनों में भी काम कर रहे हैं. In the same pattern in which He is doing it for the earth. उसी नमूने के अनुसार जिस नमूने के जिस तरीके से वो इस पृथ्वी के लिए करते हैं. God's name be really praised. Amen. खुदावन का नाम वास्तविकता में जलाल पाए. Just one minute, please. एक मिनट. Now, I'd like to move on further with you in the subject. अब मैं आगे विषय में बढ़ना चाहूँगा. And try to show you certain things which our prophet said. और कुछ आपको खास चीज दिखाना चाहूंगा जो हमारे नबी ने कही. We saw and I think the last time we were talking about was differences between eternal life and finite life. और हमने उनको देखा और हमने ये फर्कों को देखा जो हमने पिछली दफा देखे थे अनंत जीवन और सीमित जीवन के बीच में. That's right, you must be having it. मैं सोचता हूं आपके पास वो होगा. And then we also saw that how eternal life, the sign of eternal life is it lives in present tense. और हमने ये भी देखा कि जो मात्र चिन्ह है उस अनंत जीवन का वो ये है कि वो अनंत जीवन वर्तमान काल में जीता है. It always talks about the present tense. ये हमेशा वर्तमान काल के विषय में बोलता है. Finite life can look at the past and the future. जो सीमित जीवन है वो तो भविष्य में या भूत में देख सकता है. Somebody may think, कोई ये सोच सकता है. No brother, नहीं भाई. There are millions of serpent seed who are living in the latest advancements. जो दसियों लाख भतेरे सर्वंश का है जो कि लेटेस्ट जो एडवांसमेंट है जो चीजें अभी हाल ही में आ रही है उनमें जी रहे हैं. They live in the present tense. वो वर्तमान काल में भी रह रहे हैं. I'm to tell you something, brother. अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा मेरे भाई. We are not talking about the present world. हम इस वर्तमान की दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. What we are talking about is the present work of God. Amen. जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि खुदा का वर्तमान काम. They can't understand that. वो उसे नहीं समझ पाते. They can understand God in the past. वो खुदा को भूत में समझ पाते हैं. And in the future. और भविष्य में. But what God is doing in the present tense, पर जो कुछ खुदावन वर्तमान काल में कर रहे हैं, they are not able to understand and catch that revelation. वो उसे नहीं समझ पाते और उसका प्रकाशन नहीं पकड़ पाते. Amen. Amen. I would like to go now further with you. अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा आपके साथ. We saw these things and we saw how God picked up those prophets and brought them in a present tense. हमने इन चीजों को देखा और कैसे खुदावन ने उन नबियों को उठाया और उन्हें वर्तमान काल में लेके आए. I'd like to go a little further with you. अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा आपके साथ. I'm reading from para 271. मैं 271 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं. And may God give you and I grace to understand. और काश खुदा मुझे और आपको अनुग्रह दे कि हम इसको समझ पाए. In the new earth and new heavens. नए आकाश और नई पृथ्वी में. Will never be blackened again. कभी भी वो काले नहीं होंगे. Amen. Amen. When this new earth is to come, जब ये नया आकाश नया पृथ्वी आना है, the devil will be bound.
शैतान बंद दिया जाएगा. Satan, he is still loose now. शैतान अभी भी खुला हुआ है. He is accuser. वो दोष लगाने वाला है. But in the new earth, पर नई पृथ्वी में, he will be bound. वो बांध दिया जाएगा. And cast into the lake of fire. और आग की झील में डाल दिया जाएगा. In this holy fire. इस पवित्र आग में. We saw that. हमने इसे देखा है. It'll require a holy fire to burn devil and the demons. इसमें जरूरत पड़ेगी एक पवित्र दिव्य आग की कि दुष्टात्माओं को और शैतान को जलाया जाए. Literal fire will not burn the devil. जो प्राकृतिक आग है वो शैतान को नहीं जला सकती. No, it can't burn. नहीं, वो नहीं जला पाएगी. It'll take the fire of God. इसमें खुदा की आग की जरूरत होगी. Which is his holy fire. जो उनकी पवित्र आग है. To burn the devil and the demons. ताकि शैतान को और दुष्ट आत्माओं को जला दे. We'll see it later on also. He says the same thing. हम बाद में देखेंगे वो इसी बात को कह रहे हैं. Then in this new earth. फिर इस नई पृथ्वी में. Let's look at it for a few minutes now. आइए हम थोड़ा कुछ मिनटों के लिए से देखें. In this new earth. इस नई पृथ्वी में. The skies will never be black again. जो आकाश कभी अंधेरे नहीं होंगे. Listen to it now. ध्यानपूर्वक सुनिए. No, that's from the curse. नहीं, ये तो श्राप से आया है. See, never be black again with angry clouds. हाँ, देखा, कभी भी काला नहीं, अंधेरा नहीं होगा उन गुस्से से भरे, क्रोध से भरे बादलों के साथ. So all this cloudy weather will not be there. तो ये जो बादल वाला, बादली वाला मौसम है, ये नहीं होगा वहाँ पर. We are going to now define what's going to be there. अब हम इसकी परिभाषा देंगे क्या कुछ वहाँ होगा. He's made it very clear. उन्होंने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया यहाँ पर. So these angry clouds will not be there in that new heavens and new earth. तो ये क्रोध से भरे बादल जो हैं वहाँ पर नया आकाश नई पृथ्वी पे नहीं होंगे. Winds will never blow across again like that. हवाएं उसके ऊपर से उसी तरीके से फिर से नहीं बहेंगी. No, she'll never tear up the trees. नहीं, वो जो है हवा उन पेड़ों को उखाड़ेगी नहीं. And tear up the houses. या घरों को तहस नहस नहीं करेगी. And turn over the things. या चीजों को उलट पुलट नहीं करेगी. Lightning and the wrath will never belch from Satan across there. जो बिजली है और जो क्रोध है वो कभी भी शैतान से उगला नहीं जाएगा वहां पर. So there won't be any lightnings there. तो वहां पर बिजलियां नहीं होंगी. And kill a man walking down the road or burn up a building. या किसी आदमी को जो कि रोड पे चल रहा है उसे नहीं मारेंगी. या कोई जैसे बिजली किसी एक बिल्डिंग को जला देती, ऐसा नहीं होगा. No, see, no, no more. नहीं, ऐसा आगे नहीं होगा. There'll be no more typhoons. कोई भी ऐसे तूफान चक्रवात नहीं होंगे. Sweep down or storms and tornadoes. या बड़े तूफान या ऐसे चक्रवात. He's trying to make us understand that all this what is being called here came when sin came. वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने यहाँ पर चीजें बताई हैं ये तब आया जब पाप आया. You see, typhoons never happened. आप देखेंगे जो टाइफून होते थे वो कभी नहीं हुए. These tornadoes never took place. ये tornadoes जो चक्रवाती तूफान हैं ये कभी नहीं हुए. These angry clouds and torrential rains and you know lightnings and all these things were not there at the time in Eden before sin. And will not be there in the future. और ये तमाम जो गुस्से से भरे बादल हैं और ये ऐसी मूसलाधार बारिश और ये बिजलियों का गिरना जिससे कि तबाही आती है ये कभी भी पहले नहीं थी. ये अदन में पहले से पहले पाप आए नहीं था. Wish we had time now. काश हमारे पास समय हो. I'm just passing scriptures. मैं अभी आयतों पे से ऊपर से गुजर रहा हूं. Now, so we won't be too late. ताकि हमें ज़्यादा देर ना हो जाए. I got to pray for the sick. मुझे बीमारों के लिए दुआ मांगनी है. Heavens. What he's not talking about is restored Eden now. अब वो बात कर रहे हैं इस बहाल की भी अदन के विषय में. Which is the future home. जो कि भविष्य घर है. Now we before I go further. अब इससे पहले मैं आगे बढूं. This is the pattern God is dealing with the earth and he's dealing with us. Amen. ये वो नमूना है खुदावन जिस तरीके से पृथ्वी से डील करते हैं और उसी नमूने के अनुसार वो हमसे भी डील करते हैं. Now see what he's talking about the earth now. अब वो देखिए कि पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं. Heavens and earth have met. Amen. स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके हैं. He's talking about that new heavens and new earth. वो बात कर रहे हैं उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में. When that would happen. जब वो होगा. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके हैं. But notice the tense he's speaking that in. पर गौर करिए जिस
काल में वो इस बात को कह रहे हैं. Though we know he's talking about future. जबकि हम जानते हैं कि भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं. But he's saying heavens and earth have met. पर वो ये कह रहे हैं कि आकाश स्वर्ग और पृथ्वी जो है मिल चुके हैं. Listen to it carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए इसे. When he's talking about the restoration, जब वो बात कर रहे हैं भालीकरण के बारे में, he's talking about heavens and earth coming together. वो बात कर रहे हैं उस स्वर्ग और पृथ्वी की कि वो एक साथ आ रहे हैं. Then it would be for a restored people. तो ये होगा आयद उन बहाल किए हुए लोगों के ऊपर. That they would experience heaven on earth. कि वो महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे उस स्वर्ग का पृथ्वी पे चलते हुए. This is what's going to take place. यही चीज होगी. Just before the bride goes home. ठीक इससे पहले दुल्हन चली जाए. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले हैं. God and man is reconciled. खुदा और मनुष्य का मेल मिलाप हुआ है. A restored Eden has begun. एक बहाल की भी अदन चालू हो चुकी है. See? देखा? All the curse is gone. Amen. सारा श्राप जा चुका है. That is one of the big subjects which I'm going to pick today. ये एक बड़ा अहम विषय है जिसे मैं आज उठाऊंगा. The removal of the curse. श्राप का हटाया जाना. Amen. And this is what I'm going to speak on today. और इस पे मैं बोलूंगा आज. Because there are a few paragraphs written here. क्योंकि कुछ ऐसे अनुच्छेद जो यहाँ लिखे हैं. And we'll show to you how God removed this curse. और हम आपको दिखाएं कैसे खुदावन ने इस श्राप को हटाया है. You see, earth is still under the curse. आप पाएंगे पृथ्वी अभी भी श्राप के नीचे है. I'll show it to you because he gives a list. मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो इसकी एक फहरिस्त देते हैं. All these typhoons and you just read it. And all these storms and things which are happening on this earth are a sign of the curse. ये तमाम जो तूफान हैं और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इनके विषय हमने पढ़ा है. ये सब चिन्ह हैं कि एक श्राप पड़ा हुआ है. So earth is still under that curse right now. तो पृथ्वी अभी भी उस श्राप के नीचे है. But potentially she is redeemed. पर संभावित तौर पे उसको छुड़ा लिया जा चुका है. Because the blood of a redeemer is spilled on it. Amen. क्योंकि एक छुड़ाने वाले का लहू उस पे पृथ्वी पे भाया गया है. In a little way. एक छोटे रूप में. But for us it's a big way. पर हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है. That same blood came in our lives. वही लहू हमारे जीवनों में आया है. And when that blood came in our lives. और जब वो लहू हमारे जीवन में आया है. He first redeems the inner man. पहले वो अंदरूनी मनुष्य को छुड़ाते हैं. Then he redeems this earth. फिर वो इस पृथ्वी को छुड़ा लेते हैं. Which is his body. जो कि ये देह है. Amen. I hope you're getting it. मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे हैं. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हुआ है. Do you know when is this going to be? आप जानते हैं कब होगा? At your rapture. आपके रैप्चर के दिन. Amen. I don't know how many got this line. मैं नहीं जानता कितनों को पंक्ति समझ में आई. When John in Revelations 20, well, let me read it for you. Amen. आइए मैं इसको पढ़ूंगा. जब यहोन्ना एक प्रकाशवाक्य 21 में. Chapter 21, just see what's happening here. प्रकाशवाक्य 21 देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. Verse 2. दूसरी आयत. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मुझे यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा. वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो. You see, this new Jerusalem is descending from heaven. आप देखेंगे ये जो नया यरूशलम है स्वर्ग से नीचे उतर रहा है. It is prepared in heaven. ये तैयार स्वर्ग में किया गया है. It's a part of heaven. ये स्वर्ग का एक हिस्सा है. That's right. Amen. And now heaven is coming to earth. और अब स्वर्ग पृथ्वी पे आ रहा है. In Revelations 21, प्रकाशवाक्य 21 अध्याय में, heavens is descending on earth. स्वर्ग नीचे उतर रहा है. And heavens and earth are becoming one. और स्वर्ग और पृथ्वी एक हो रहे हैं. If I go a little more deeper, अगर मैं थोड़ा और गहरे में जाऊं, he talked about the seven dimensions. उन्होंने बात करी उस सात आयामों के विषय में. The earth we live in, जो पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, is under three dimensions. ये तीन आयामों के नीचे है. Light, ज्योति, matter, पदार्थ, and time, और समय. And then, if you go a little further, science. और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो विज्ञान का है. Where you have all these waves. जहाँ पर ये तमाम तरंगे हैं. But then we need to understand. पर तब हमें समझने की ज़रूरत है. Heaven is a still higher dimension. स्वर्ग फिर भी एक ऊंचा आयाम है. और But now what's going to happen? पर अब क्या होगा? That dimension. वो आयाम. And this earth. और ये पृथ्वी. Are coming together. ये एक साथ आ रहे हैं. There is no time in heaven.
कोई समय नहीं है स्वर्ग में. Eternity is in heaven. अनंत स्वर्ग में है. So we can safely say. तो हम आराम से कह सकते हैं. Eternity and time are coming together. Amen. अनंत और समय अब एक साथ मिल रहे हैं. That dimension and this earth are coming to become one. वो आयाम और ये पृथ्वी अब आपस में एक साथ करीब आ रहे हैं ताकि एक हो. That'll happen in future. ये भविष्य में होगा. For the whole earth. पूरी पृथ्वी के लिए. But for you. पर आपके लिए. You also have a heavenly part. आपके पास भी एक स्वर्गीय हिस्सा है. That is your theophany. जो कि आपकी अपनी थियोफनी है. And this is body is the earth. और ये जो देह है ये पृथ्वी है. He says heaven and earth have met. वो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके हैं. You and your theophany. आपकी और आपकी थियोफनी. Under the seven thunders. उन सात गर्जनों के नीचे. In that. What do you call 1, 2, 3, 4 fourth corner? उस चौथे कोने में. In the plan of redemption. उस छुटकारे की योजना में. Have met again. वो फिर से मिले हैं. Amen. They are coming together. वो एक साथ आ रहे हैं. That dimension and you are coming to become one. वो याम और ये आप एक साथ आ रहे हैं करीब ताकि एक हों. And he's not saying going to meet. और वो ये नहीं कह रहे कि आगे भविष्य में मिलेंगे. Though he means that. जबकि उनका मतलब ये है. But he says like this. पर वो इसको इस तरीके से कह रहे हैं. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके हैं. A little later on he'll say. थोड़ी देर बाद वो ये कहेंगे. When our Lord Jesus went to Jordan. Amen. जब हमारे प्रभु यीशु यरदन नदी पे गए. And the Holy Spirit came down. और पवित्र आत्मा नीचे आए. Like a dove. एक फक्त के रूप में. Heaven and earth met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले. Where did the heavens and earth meet? स्वर्ग और पृथ्वी कहाँ मिले? In a man. एक आदमी के अंदर. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले हैं. God and man is reconciled. खुदावंद और मनुष्य का मेल मिलाप हो चुका है. Of course, he's talking about the future heaven and earth. बेशक वो बात कर रहे हैं उस भविष्य के स्वर्ग और पृथ्वी के विषय में. A restored Eden has begun. Amen. एक बहाल की हुई अदन चालू हो चुकी है. See, all the curse is gone. देखिए सारा श्राप जा चुका है. That's going to happen in the new earth. ये होगा नई पृथ्वी में. Next, listen to the next line. सुनिए अब अगली पंक्ति. Just like all the curse of sin is gone when the Holy Ghost accepts you. Amen. ठीक जैसे सारा पाप का श्राप चला जाता है जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करते हैं. Do you know how bad curses? आप जानते कितने बुरे ये श्राप है. When something is cursed, जब कोई चीज श्रापित होती है, nothing good happens with it. कोई भी भली चीज उसके साथ नहीं होती. It's only in ruins. ये केवल खंडर और खंडर ही होता रहता है. You know about these things. आप इन विषय में जानते हैं इन चीजों के बारे में. And everybody that's born under sin, और हर एक कोई जो पाप के नीचे जन्मा है, was under a curse. वो एक श्राप के नीचे था. But he says all the curse of sin is gone. पर वो ये कहते हैं कि सारा श्राप पाप का जा चुका है. When the Holy Ghost accepts you, जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करते हैं. The day you receive the Holy Ghost, जिस दिन आप पवित्र आत्मा पाते हैं, you can safely say, आप आराम से कह सकते हैं, Now I'm under no curse. अब मैं किसी श्राप के नीचे नहीं हूँ. Amen. There's no curse on a genuine believer. एक वास्तविक विश्वासी के नीचे कोई उसके ऊपर श्राप नहीं है. And listen, when that curse is gone, और आप देखिए जब वो श्राप चला जाता है, even the systems which you are living in, यहाँ तक कि वो तंत्र प्रणाली जिसमें आप रह रहे हैं, undergoes restoration. उसमें भी भाली होती है. And a time comes, और एक समय ऐसा आता है, when these bodies are literally changed. जब ये देह वास्तविकता में बदल जाती हैं. Why? क्यों? The curse is gone. श्राप चला गया. Amen. Hallelujah. When curse comes, जब श्राप आता है, of the old life, पुराने जीवन का, the mind goes off, जो दिमाग है वो बंद हो जाता है. The first sign of curse is a blackened, dead mind. जो पहला चिन्ह है श्राप का वो है एक अंधियारा हुआ वा, काला बिल्कुल मृतक समान मन.
not awakened to the present tense. उस वर्तमान काल के लिए जागरूक नहीं हुआ वा. Lives like a beast. एक पशु सरीखा जीवन जीता है. Gets up in the morning. सुबह उठता है. Eats food. खाना खाता है. Dogs also do that. कुत्ते भी यही कर रहे हैं. Forgive me for my language. माफ कीजिए मुझे मेरी भाषा के लिए. And then sleeps. और फिर सो जाता है. Like dogs sleep. जैसे कुत्ते सो जाते हैं. Then has his next food. फिर अगला अपना खाना खाता है. And then sleeps. और फिर सो जाता है. Or maybe he works. या हो सकता है वो कुछ काम करता है. Then go home and sleeps. फिर घर जाके सो जाता है. That's no difference than a beast. इसमें कोई फर्क नहीं है एक जानवर में और इसमें. His thought process is not working. उसकी जो सोचने वाली शक्ति है क्रिया है वो चल नहीं रही. He's not awakened to a higher thinking. वो एक उच्च कोटि की सोच के विषय में अनजान और अनभिग है, जागरूक नहीं है. What he can think of is only worldly things. जो कुछ वो सोच पा रहा है केवल मात्र दुनियावी चीजें हैं. His mind cannot catch the heavenly dimension. उसका जो दिमाग है वो स्वर्गीय याम को नहीं पकड़ पा रहा. And that's why. ये है वो कारण. His mind is blackened. उसका मन अंधियारा हो चुका है. Listen, everybody that's born by the old birth. सुनिए हर एक कोई जो कि पुरानी पैदाइश से पैदा है. Everybody. हर एक शख्स. Nobody excluded. इसमें कोई भी छोड़ा हुआ नहीं है. Because that birth was not ordained of God. क्योंकि वो पैदाइश खुदा के द्वारा पूर्व नियुक्त नहीं थी. That was not the birth God ordained in Eden. यह वो पैदाइश नहीं थी जो खुदा ने ठहराई अदन में. It was not a sexual birth. ये कोई सेक्सुअल पैदाइश नहीं थी. There was a reproduction, but of different kind. एक और पैदाइश का तरीका था, पर वो एक फरक था. Which God displayed in second Adam. जिसको खुदा ने प्रदर्शित किया दूसरे आदम में होकर. When he was born without sex. जब वो बिना सेक्स के पैदा हुए. By the spoken word of God. बोले हुए खुदा के वचन के द्वारा. Is that right? क्या बात ठीक है? Amen. Listen something. And that because it was not ordained of God, और क्योंकि ये खुदा के द्वारा नहीं ठहराया गया, a curse came with it. एक श्राप इसके साथ आया, which was the curse of sin. जो कि पाप का श्राप है. Listen to it carefully. ध्यानपूर्वक इसे सुनिए. When curse comes on a somebody, जब श्राप आता है किसी के ऊपर, the first sign is, पहला चिन्ह ये है, the mind gets blackened. जो दिमाग है वो अंधियारा हो जाता है. Then the mind starts thinking some different things. फिर दिमाग जो है बड़ी अजीब फरक चीजें सोचने लगता है. Then the mind starts going to the rotten things of this earth. फिर दिमाग जो है इस पृथ्वी की सड़ाहट वाली चीजों की तरफ खिंचता है. All the inhibitions start going away. सारी जो रुकावटें होती हैं अंदर वो चली जाती हैं. And he starts giving way to all his feelings. और वो अपनी सारी भावनाओं को छोड़ देता है. Read Romans chapter 1. रोमियो पहला अध्याय पढ़िए. We are not going to read it. हम उसे नहीं पढ़ेंगे. Because of we are going to a different subject. क्योंकि हमारा एक फरक विषय है. But when that happens, पर जब ये होता है, a wanton foolish mind starts working. एक बड़ा ही अपने में बहुत कुछ समझने वाला और निर्बुद्धि मन काम करने लगता है. भगोड़ा मन. भगोड़ा. Yes. भगोड़ा मन जो है वो काम करने लगता है. जैसे चलते रहते हैं मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, ऐसे मन चलता रहता है. It's not a stable mind. ये कोई स्थिर मन नहीं है. Try to understand it. समझने की कोशिश करिए. It's not settled on something. ये किसी बात पे स्थिर नहीं है. It's a wanton mind. ये एक ऐसा भगोड़ा मन है. Which just goes anywhere. जो कहीं भी चला जाता है. It sees a girl. अगर कोई लड़की देखेगा. No inhibitions. कोई उसको रुकावट नहीं लगेगी. बिखा. उसे उठाएगा. As it was in the days of Noah. जैसा नूह के दिन में था. They didn't marry. उन्होंने कोई शादी नहीं करी. They ran away with girls. वो लड़कियों के साथ भाग गए थे. And girls ran away with boys. और लड़के और लड़कियां लड़कों के साथ भाग गईं. Why? क्यों? The beastly nature was going on. वो पशु सरीखा जो स्वभाव था वो चल रहा था. If you bring that nature in the church, अगर आप उसी स्वभाव को कलीसिया में लेके आए. See, I'm not your enemy tonight. देखिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं आज रात्रि. I'm your friend. मैं आपका मित्र हूं. Amen. So if you find yourself in fault somewhere, don't think that I'm here to pick you up as one person, but in fact, it can be your remedy. अगर आप किसी अपने आप को कहीं गलत पाएं, तो इस बात को मत सोचिएगा कि मैं आपको एक अकेला शख्स उठा रहा हूं, पर वास्तविकता में आपके लिए ये एक बचाव का या आपके सुधार का तरीका है. यहां पर people taking part in the Lord's table and committing adultery. लोग प्रभु भोज में की मेज में शरीक हो रहे हैं और वे विचार कर रहे हैं. In a Methodist church? एक मेथोडिस्ट चर्च में? No. नहीं.
People taking part in the Lord's table, लोग प्रभु भोज की मेज में शरीक हो रहे हैं, and committing those sins which I can't even speak from here. और उन गुनाहों को कर रहे हैं जिनको मैं यहां तक कि यहां से बोल भी नहीं सकता. My question is, मेरा सवाल ये है, what was the use of the meetings? मीटिंगों का क्या फायदा था? Why did you waste time? क्यों आपने समय जाया किया? Without Holy Ghost, you're just coming to the church and going. बिना पवित्र आत्मा के आप मात्र चर्च में आ रहे हैं और जा रहे हैं. Nothing is happening, brother. कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई. Of course, it's a good thing you come to the church. बेशक ये तो एक भली बात है कि आप चर्च आते हैं. But the more important thing is, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है, have you understood? And I will say something. मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा क्या आपने? That is also the grace of God. ये भी खुदा का अनुग्रह था. Amen. Yes, Lord. If somebody finds an opportunity to repent, अगर किसी को मौका मिलता है तौबा करने का, Amen. Everybody doesn't get it. हर एक को नहीं मिलता. Amen. मैं एक पागल आदमी नहीं था. लॉकडाउन से पहले यहां से चिल्ला रहा था, प्रभु भोज की मेज से पहले. Yes, amen. Now you know. अब आप जानते हैं. Many of you. आप में से कई. What is the real picture? वास्तविक तस्वीर क्या है? And where do you stand? और आप कहां खड़े हैं? But let me say this, my precious brother and sister. पर मैं इस कह को कहना चाहूंगा मेरे बेशकीमती भाई और बहन. When you receive the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, don't befool yourself. अपने आप को धोखा मत दीजिए. Please don't do it. कृपया करके ऐसा मत कीजिए. I will never be held responsible before God and His throne that you didn't tell those people that you should have the Holy Ghost. मैं कभी भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जाऊंगा खुदा के सामने और उसके सिंहासन के सामने किए तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि पवित्र आत्मा पाओ. एक छोटी सी सिंपल सी चीज इसको लेके लोग सालों साल निकाल देते हैं. एंड दे डोंट इवन थिंक ऑफ दैट. और उसके बारे में सोचते भी नहीं. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव दिस होली गोस्ट. कितना महत्वपूर्ण ये है कि पवित्र आत्मा आपके पास हो. आमेन. Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. You can befool anybody. आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं. You cannot make a fool out of this word. पर आप इस वचन का को धोखे में नहीं लेके आ सकते. You can't befool and play with God. आप खुदा के साथ नहीं खेल खेल सकते. Don't do it. ऐसा मत कीजिए. But it is my sincere request. पर ये मेरा विनम्र आग्रह है आपसे. As your pastor. आपका पास्टर होने के नाते. That if you have a speck of doubt in your life, put gum on your knees and on your forehead. And don't get up till you receive that Holy Ghost. अगर आपके अंदर अंश मात्र भी ऐसा संदेह या शक है तो अपने घुटनों पे गम लगा लीजिए और माथे पे. हिंदी में बोलो गोंद. गोंद लगा लीजिए. समझ में नहीं आता. गोंद लगा लीजिए और मत उठिए जब तक कि आपको पवित्र आत्मा ना मिल जाए. Until you are changed from inside. जब तक कि आप अंदर में एक से अंदर ना बदल जाए. Don't get up. मत उठिए. And don't waste your time. और अपने समय को जाया मत कीजिए. Keep that in your mind, brother. इस बात को अपने दिमाग में रखिए मेरे भाई. This is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. Amen. First things first. पहली चीज पहले. And then come to the next things. और फिर आते हैं अगली चीजों पे. But I want to show you this. पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ. When the Holy Ghost comes. जब पवित्र आत्मा आते हैं. This is what the message is teaching us. यही वो चीज संदेश हमें सिखा रहे हैं. Oh, what a beautiful message. Oh, क्या अद्भुत संदेश है. What happens when the Holy Ghost comes? क्या होता है जब पवित्र आत्मा आते हैं? Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले हैं. God and man is reconciled. खुदावंद और मनुष्य का मेल मिलाप हो चुका है. When curse comes, जब श्राप आता है, the mind gets blackened. दिमाग अंधियारा हो जाता है. You just read. आपने अभी पढ़ा.
The skies will never be black again. आकाश आगे को कभी अंधियारे नहीं होंगे. Don't look at that sky. उस आकाश की तरफ मत देखिए. This sky. ये वाला आकाश. Amen. It'll never get black again. ये कभी भी अंधियारा नहीं होगा. When the Holy Ghost comes. जब पवित्र आत्मा आता है. The darkness leaves. वो अंधियारापन चला जाता है. And light comes in the life. और ज्योति जीवन में आ जाती है. Amen. Amen. As if God says in that life. जैसे मानो खुदावन कहते हैं उस जीवन में. Let there be light. उजियाला हो. Amen. 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 And your life, और आपका जीवन, which was moving in a chaos, जो कि एक गड़बड़ी की ओर खींच रहा था, suddenly gets stabilized, अचानक से स्थिरता प्राप्त करता है, and the light starts shining, और ज्योति चमकने लगती है, amen, amen. Listen carefully, brother, sister. सुनिए ध्यानपूर्वक मेरे भाई मेरी बहन. Don't waste your time. अपने समय को जाया मत कीजिए. रैप्चर की तारीख बहुत नजदीक आती जा रही है. Don't waste your time. I am repeating. मैं इस बात को दोहरा रहा हूं. अपने समय को जाया मत करिए. Don't waste your time. अपने समय को जाया मत करिए. Get urgent with God. खुदा के साथ अर्जेंट होइए. Let there be no speck of doubt left in your mind. एक मात्र भी हल्का जरा सा भी कोई संदेह या शक ना हो आपके दिमाग में. That I have got the Holy Ghost or not. कि मेरे को पवित्र आत्मा मिला या नहीं. When you have it, you know it. तो आपके पास जानते हैं अगर आपके पास होता है तो. You know it. आप जानते हैं इस बात को. Be careful. सतर्क होइए. And of course. हाँ और बेशक. There are many I believe. बहुत तेरे हैं जिनका मैं विश्वास करता हूँ. Receive the Holy Spirit. जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है. But then one more thing. एक और बात. Then stay in that spirit. फिर उसी आत्मा में बने रहें. Don't get out of it. उसमें से बाहर ना निकलें. It's so important to stay in the anointing. ये बहुत महत्वपूर्ण है उस अभिषेक में रहना. Is that right? क्या बात ठीक है? Now I'm going to show you something, brother. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा मेरे भाई. Just like all the curse of sin is gone. ठीक जैसे सारा श्राप पाप का श्राप चला गया. When the Holy Ghost accepts you, जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता है तब. See, देखा. You don't accept it. आप उसे ग्रहण नहीं करते. It accepts you. वो आपको ग्रहण करते हैं. Amen. Don't ever say I accepted Christ. कभी ये मत कहिए मैंने मसीह को ग्रहण किया है. It's actually Christ accepted you. ये वास्तविकता है मसीह है जिन्होंने आपको ग्रहण किया है. Amen. Hallelujah. Why did he accept you? क्यों उन्होंने आपको ग्रहण किया? See? देखा. Cause it's God's attribute. क्योंकि ये खुदा का गुण है. See? देखा. If it's the Holy Ghost, अगर ये पवित्र आत्मा है, means God's spirit. अर्थात इसका मतलब खुदा का आत्मा. And it's the attribute, और वो गुण है. The thought of God, खुदा का विचार. Has accepted you, उसने आपको ग्रहण किया है. Listen what he's saying here. देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर. When Holy Ghost comes to you, जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है. What God thought for you comes through that Holy Ghost. जो कुछ खुदा ने आपके विषय में सोचा था वो उस पवित्र आत्मा के माध्यम से आता है. When the Holy Ghost comes to a believer, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के पास आता है. God's thoughts for that man comes to that believer. खुदावन के विचार उस मनुष्य के लिए उस विश्वासी के पास आते हैं. And that is not a new thought. और ये कोई नया विचार नहीं है. That was from the beginning. ये आरंभ से था. In other words, दूसरे शब्दों में. That Holy Ghost, sit down please. बैठे कृपया. That Holy Ghost, वो पवित्र आत्मा. Was predestinated before the foundation of the world to accept you on a particular date. वो पहले से ठहराया गया था जगत की नींव रखने से पहले कि वो आपको ग्रहण करेगा एक खास तारीख के दिन. When such and such child will be born. जब ऐसे खास खास बच्चा पैदा होगा. When such and such date will come. जब ऐसी खास तारीख आएगी. I will accept him. मैं उसे ग्रहण करूंगा. I will reject others. और दूसरों को तिरस्कृत कर दूंगा. But I will reject him. पर accept, sorry. पर मैं उसे ग्रहण करूंगा.
I'll reject millions. मैं दसियों लाख को तिरस्कृत कर दूंगा. But this man, पर ये जो है, he found grace in my eyes. इसे अनुग्रह की दृष्टि मिल गई है. I will accept him. मैं उसे ग्रहण करूंगा. I will not call his daddy. मैं इसके बाप को नहीं बुलाऊंगा. I'll not call his brothers. मैं इसके भाइयों को नहीं बुलाऊंगा. But I'll call Abraham. पर मैं अब्राहम को बुलाऊंगा. You. तू. You come out. तू बाहर निकल गया. Amen. Holy Ghost accepts that believer. पवित्र आत्मा उस विश्वासी को ग्रहण करता है. So don't say ever. कभी ये मत कहिए. I accepted Christ. मैंने मसीह को ग्रहण किया. No, it's other way round. नहीं नहीं ये बात फर्क है. Actually, Christ accepted you. वास्तविकता में मसीह ने आपको ग्रहण किया है. Amen. जिसको मसीह कबूल कर लेता है वो एफिडेविट दड़वाने के लिए दौड़ता है, या फिर दौड़ता है कि भैया बप्तिस्मे कब होंगे, या फिर दौड़ता है भैया चर्च कब लगेगा, या फिर दौड़ता भैया अगली मीटिंग कब होगी, क्योंकि किसी और ने कबूल किया. All that the Father has given to me, सब जो पिता ने मुझे दिए हैं, I will in no wise cast out. मैं किसी रीति से बाहर ना निकालूंगा. No man can come to me. कोई मेरे पास नहीं आ सकता. Until the Father draws him. पर तब तक जब तक पिता ही उसे ना खेचे. It's the Father's drawing power. ये पिता की खेचने की सामर्थ है. Which draws a man. जो कि एक आदमी को खेचती है. Which drew you, brother. उसने आपको खेचा मेरे भाई. Drew you, sister. आपको खेचा मेरी बहन. It's his redeeming power. ये उसकी छुड़ाने वाली सामर्थ है. Can you say amen? क्या आमीन बोल सकते हैं? Sit down, please. बैठिए कृपया. Amen. You heard about this testimony today? आपने इस गवाही के विषय में सुना आज? I told sister to give it. मैंने बहन से कहा कि आप दें. How that fish rose up. कैसे वो मछली जिला गई? Aren't you happy for that? क्या आप उसके लिए आनंदित नहीं हैं? Amen. But can I say something? पर मैं क्या कुछ कह सकता हूँ? When Brother Martin was saying. जब भाई मार्टिन कह रहे थे. These hands and these body was in what do you call beer joints. Holding whiskies and cards. Today it's holding Bible. जब भाई मार्टिन कह रहे थे कि एक दिन ये एक समय ये था कि हाल जो है विस्की की जगह पे थे और उन मैखानों में थे और ताश के पत्तों को खेल रहे थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे. For me, that's a great miracle. पर आज वो बाइबल पकड़े हुए हैं. मैं कहूंगा मेरे लिए वो ज्यादा बड़ा आश्चर्य कर्म है. Amen. It's a bigger miracle that I see you in this church. You are a miracle. You are a proof. That somebody died. Somebody paid the price. And sin couldn't take hold of your life. You are a very big testimony. एक बहुत बड़ी गवाही है आप. You. आप हैं. Think of that. इसके विषय में सोचिए. He didn't call the rest. उसने बाकियों को नहीं बुलाया. He called you. पर उसने आपको बुलाया. Fun in a million. दस लाख में. He leaves, brother. He just leaves. वो छोड़ के चला जाता भाई. छोड़ देता है. He doesn't even reveal himself. याद है कि वो अपने आप को प्रकट भी नहीं करते. But he only reveals to some. पर अपने आप को वो चुनिंदों पे करते हैं. I still remember. मुझे अभी भी याद है. How Elihu told Job. कैसे एलिहू ने अय्यूब से कहा. If that man. अगर वो मनुष्य. Can find a redeemer. उसे एक छुड़ाने वाला मिल जाए. If he can find someone, अगर उसे कोई मिल जाए, who can bridge the gap between a sinful man and a holy God, जो कि उस खाई को पाट पाए, जोड़ पाए, जो कि एक पापी मनुष्य और पवित्र खुदा के बीच की है, then his flesh shall be fairer than a child's, तब उसकी उसका मांस उसकी खाल एक बच्चे से ज्यादा कोमल होगी. In other words, दूसरे शब्दों में, Job, अय्यूब, there's only one way for a change. केवल एकमात्र तरीका है बदलाव के लिए. There's only one way to get a new body. केवल एकमात्र तरीका है नई देह के लिए. You need a redeemer. तेरे को एक छुड़ाने वाले की जरूरत है. You need a mediator. तेरे को एक मध्यस्थ की जरूरत है. You need somebody to reconcile. तेरे को कोई चाहिए जो तेरा मेल मिलाप करा पाए.
And then the Redeemer came. और फिर वो छुड़ाने वाला आ गया. And started asking him. और उससे पूछना चालू किया. Where were you? तू कहाँ था? When I was laying the foundation of this earth. जब मैं इस पृथ्वी की नींव रख रहा था. Where were you in that meeting? उस मीटिंग में तू कहाँ था? When the morning stars. जब भोर के तारे. Were crying for joy. आनंद से गाते थे. When I was laying the cornerstone. जब मैं कोने का पत्थर रख रहा था. Where were you, Job? तू कहाँ था, यूब? Start remembering. इसको याद रख करने. Get this amnesia out of your mind. ऐसा हो कि ये भुलक्कड़ बनते रहे, हमें से चला जाए. That's what I have come for. इसीलिए मैं आया हूँ. With these thunders. इन गर्जन के शब्दों के साथ. With these mysteries. इन भेदों के साथ. To take off that amnesia from your mind. ताकि तेरे दिमाग, तेरी समझ से उस भुलक्कड़पन को हटा दूं. To make you realize. ताकि तेरे को समझाऊं. You are an attribute of God. कि तू खुदा का एक गुण है. And I have come today. और आज. I have come today. आज मैं आया हूँ. I know you have three friends. मैं जानता हूँ तेरे तीन मित्र हैं. Today I'll make a difference. पर आज मैं एक फर्क पैदा करूँगा. I'll accept your prayer. मैं तेरी प्रार्थना ग्रहण करूँगा. And not their prayers. और उनकी प्रार्थनाएँ नहीं. When God accepts somebody. जब खुदावन किसी को ग्रहण करते हैं. He starts accepting his prayers. वो उसकी दुआओं को ग्रहण करने लगते हैं. Special prayers. खास दुआएं. He told his friends. उन्होंने उसने अपने मित्रों से कहा. You don't pray. तुम मत दुआ मांगो. Because you didn't say the right word. क्योंकि तुमने ठीक बात नहीं कही. Tell Job. अय्यूब से कहे. He will pray for you. वो अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा. I will hear him. मैं इस अय्यूब की सुनूंगा. I will hear him. मैं इसकी सुनूंगा. That was his adoption. ये उसका पुत्राधिकार था. That's what happens, brother. यही होता मेरे भाई. When God redeems a man. जब खुदा अनेक मनुष्य को छुड़ा लेते हैं. A grace. एक अनुग्रह. Which is beyond understanding. जो कि समझ से परे है. You can't understand that grace. आप उस अनुग्रह को समझ नहीं सकते. Don't even try to. समझने की कोशिश मत करिए. It's a very, very amazing grace. ये बहुत, बहुत अद्भुत अनुग्रह है. Think on your lives. अपने जीवनों के विषय में सोचिए. Did you merit something good? क्या आपने कोई योग्यता प्राप्त करी, कोई काबिलियत थी? Anything good that you can bring before God? क्या कोई ऐसी भली बात है आपके जीवन की जो आप खुदा के सामने पेश कर पाए? No, this was one good thing in my life. नहीं नहीं, ये एक भली बात थी मेरे जीवन की. Nothing. कुछ नहीं. Oh yes, Lord. Amen. Yet you didn't accept him. तो अभी आपने उसे ग्रहण नहीं किया. He accepted you. उसने आपको ग्रहण किया है. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, sit down please. Bible कहती है बैठिए कृपया. A certain man had two sons. एक खास मनुष्य के दो बेटे थे. And oh, what a picture Brother Branham drew. और क्या खूब तस्वीर भाई ब्रैनम ने रखी. And he said. और कहा. The younger one said. छोटे वाले ने कहा. Give me my portion. मेरे हिस्से को, अंश को दे दे. Because I don't want to live on this old rocky house countryside. I want to be a man of the city. मैं इस गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ पुराना बेकार सा घर है, इसमें नहीं रहना चाहता. नगर के बाहर, मैं नगर में, शहर में रहना चाहता हूँ. This is how Brother Branham placed it. इस तरीके से भाई ब्रैनम ने इसको रखा. Oh, how his mother tried to tell him. Oh, कैसे उसकी माँ ने उसको बताने की कोशिश करी. Listen, little children. छोटे बच्चों सुनो. Your mother is a grace for you. आपकी माँ आपके लिए एक अनुग्रह है. When she corrects you, जब वो आपको सही दे, listen to her. उसकी सुनिए. She has been through those phases which you have not been in. वो उन चरणों में होके गुजरी है जिसमें आप नहीं होके गए हैं. Your father has been through those phases which you have not been in. आपके पिता उन चरणों में होके गुजरे हैं जिसमें आप होके नहीं गुजरे. But the boy said, लड़के ने कहा, no, नहीं. I don't want to hear you. मुझे आपकी नहीं सुननी. You are an old foggy ideas. तुम्हारे पुराने दखियनुसी विचारधारा है. I can see my friends who are going to the city. ओ, मैं अपने दोस्तों को देख पाता हूँ नगर में जा रहे हैं. So he said, you may talk with the dad. उन्होंने कहा कि ठीक है, पापा से बात कर लो. And the father said, पिता ने कहा, well, ठीक है. Everyone has a right to make a decision. हर एक के पास अपना फैसला लेने का अधिकार है. You have been my son. तू मेरा बेटा रहा है. And I have looked after you all this while. और इतने समय से मैंने तेरा ध्यान रखा है. But now today you say. पर आज तू ये कहता है. Give me my money. मेरा पैसा मुझे दे दो. Let me go and live my life. और ऐसा हो कि मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं. No problems. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं.
Then father and mother came to a room. तब पिता और माता जो हैं वो एक कमरे में आए. And mother is crying and saying, "What will happen to our child?" और माँ रो रही है और कह रही है कि हमारे बच्चे के साथ क्या होगा? Then the father says. फिर पिता ये कहते हैं. You have to be calm. आपको अपने आप को संभालना होगा. Because all things work for good. क्योंकि सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं मिलकर. But. पर. Today he doesn't realize. आज वो ये नहीं समझ रहा. Maybe someday. हो सकता है किसी दिन. They came before the child. बच्चे के सामने आए. Whatever you said. जो कुछ आपने कहा था. We will do. हम करेंगे. So the father sold the lands and his farmhouses and whatever to divide it into two parts and took the portion and gave it to the child. तो बाप ने खेत और तमाम चीजें, जमीन, जो कुछ था, ताकि उसकी संपत्ति को दो हिस्सों में बांटे, उसे आधे को बेच दिया ताकि अपने छोटे बेटे को दे. Here's it, son. ये है सब कुछ मेरे बेटे. This is yours, yes. ये सब कुछ तेरा है. So the son looks at that father. तो बेटा बाप की तरफ देखता है. And he pockets that money. और उस पैसे को जेब में रखता है. Fine. ठीक है. Now pack up my suitcase. मेरे suitcase तैयार करो. Tomorrow I'm leaving. कल मैं जा रहा हूँ. Fine, son. ठीक है बेटा. Whatever you decide. जो कुछ तुम फैसले लेते हो. Because there's a time when you know you can beat, you can scold, but there's a time that when a person becomes adult and they are independent, they are faced to take their own decisions. क्योंकि एक ऐसी उम्र होती है जब आप मार सकते हैं और डांट सकते हैं, पर जब जो शख्स जो है व्यस्क हो जाता है तो वो अब स्वाभाविक स्वतंत्र है कि वो अपने फैसले खुद ले. Fine. ठीक है. So he pockets the money. तो वो अपने पैसे को जेब में रखता है. And as the scripture says, जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, picks up his trunk and leaves for the city. अपना जो ट्रंक है, अपना जो बक्सा जो है वो उठाता है और नगर की ओर चल देता है. And he goes into that city, Brother Branham says. और ब्रैनम कहते हैं वो उस नगर में जाता है. And takes that money. और उस पैसे को लेता है. पैसे को भी इस्तेमाल करने के लिए एक दिमाग चाहिए. Yes. जिसके पास होली गोस्ट नहीं, जो दुनियावी है, क्या करेगा पैसे का? क्या किया अनिल अंबानी ने? यहां से यहां यही होता है. So what happened? तो क्या हुआ? As the scripture says, जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, he spent his life in road houses, in dance parties, and in all those things he could enjoy. उसने अपने जीवन को उन जुआ घरों में और उन पार्टियों में, डांस के घरों में और सब कुछ ऐसी दुनियावी चीजों में इस्तेमाल किया. And when it all was done, और जब सब कुछ हो गया, and he had finished up his money, और उसने अपने पैसों को खत्म कर दिया. The elder brother said, and that's right. बड़े बेटे ने कहा और ये बात सही भी है. He spent his life with harlots. उसने अपने जीवन को वेश्याओं के साथ बिताया. His life was full of adultery. उसका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ था. So got so many girlfriends. Oh, इतनी सारी उसकी girlfriend हैं. Yeah, yeah, he was a hero. हाँ, वो तो hero था. A Rambo. एक Rambo जैसा था. I'm getting it. क्या आपको समझ में आ रहे? But when the money was spent up. पर जब पैसा खर्च हो गया. The Rambo kind left. जो Rambo वाली बात थी वो चली गई. Where is the Rambo now? अब Rambo सब चला गया. कहाँ है? Listen, young girl. सुनिए जवान लड़की. And young boy. और जवान लड़के. The world may seem very attractive to you. दुनिया तुम्हें बहुत आकर्षक लगेगी. Remember in your life. याद रखना अपने जीवन में. But it is death. पर ये मृत्यु है. Amen. Amen. Don't go to the world to understand what is being preached today. दुनिया में जाके मत खुद कोशिश करना कि समझो दुनिया में जाके कि क्या कुछ आज प्रचार किया जा रहा है. जब लुट जाओ, पिट जाओ, ठुक जाओ, तब लुटे पिटे लौटो. क्यों नहीं पहले से समझ जाते? Amen. Getting the point? आपको बात समझ में आ रही है? And the scripture says, और पवित्र शास्त्र कहता है, how Brother Branham drew this type. I was so happy to hear that message. कैसे भाई ब्रैनम ने उस तस्वीर को खींचा, मैं बहुत खुश हुआ संदेश को सुनने के बाद. He was thundering that message in Cleveland, Ohio. वो उस संदेश को गरज रहे थे क्लीवलैंड ओहायो में. What a message. क्या संदेश था. And what an altar call. क्या altar call थी. The pastor said, all these years I've never seen such an altar call. पास्टर ने कहा, इतने सालों से मैंने ऐसी altar call नहीं देखी. That's right. ये बात ठीक है. And सबसे अजीब बात यह है
मीटिंग की शुरुआत में सबसे हाथ खड़ा करवाया, कितनों के पास पवित्र आत्मा है? सबने हाथ उठाया। तो कहते मेरे को लगता है फिर किसी गुनाहगार की यहां जरूरत ही नहीं है। ऐसे नोट पे मीटिंग चालू करी भाई ब्रनम ने, बोले फिर भी मेरे दिल में एक विषय था तो मैंने सोचा कि आपके बीच में रख दूं। यह अलग बात है कि मीटिंग खत्म होने के बाद उसी भीड़ में से सैकड़ों भाग के जा रहे हैं वेदी के पास। एंड सो व्हाट हैपेंड, और फिर क्या हुआ? ही स्पेंट हिज लाइफ इन रायटस लिविंग। उसने अपने जीवन को इस ऐसी व्यर्थ तरीके से जिया। All kinds of sins he could do. हर एक प्रकार के पापों को जो वो कर सकता था किए। He done it, brother. उसने किया मेरे भाई। He just wasted his life. उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। One day the Bible says. एक दिन बाइबल कहती है। There was a famine in the land. देश में अकाल पड़ा। Follow that type. इस तस्वीर को देखिए। And when the famine came. और जब अकाल आया। And the money was dried up. और पैसा सूख गया। So to stay alive in that famine, you needed something else. तो उस अकाल के समय में जीवित रहने के लिए आप कुछ और की जरूरत थी। All the money dried up. सारा पैसा सूख गया। And all the money was finished. और जब सारा पैसा खत्म हो गया। The friends were gone. दोस्त चले गए। He was left alone. वो अकेला रह गया। And then he goes. और तब वो जाता है। To a citizen and says. एक ऐसे नागरिक के पास हो जाके कहता है। Remember. याद रखिए। Back at home, वापस पीछे घर में, he was the son of a billionaire. वो एक अरबपति का बेटा था। Follow that. इसको समझिए। He had houses and lands. उसके पास ज़मीन और बहुत सारे घर थे। And here in the city now. और यहाँ पे शहर में। He's moving to an ordinary roadster. वो एक ऐसी आम चलने वाले आदमी के पास आ रहा है। Can I find some job? क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है? Are you listening? क्या आप सुन समझ रहे हैं? Yes, there's one. मैंने कहा हाँ एक है। You can go there. You can see those pigs. वहाँ जाओ, वहाँ सुअर दिख रहे हैं। Feed them. उन्हें खाना दो। And maybe we'll give you something. और हो सकेगा तो हम तुम्हें कुछ दे देंगे। What about the food? खाने के बारे में क्या? He said, you know famine is on, sir. तुम जानते हो कि अकाल चल रहा है। So whatever you feed the pigs, some part you can also take. जो कुछ तुम सुअर को चारा में दे रहे हो, कुछ हिस्सा तुम भी ले लो। It is eatable. ये खाने वाला ही है, खाना ही है। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? And then, और फिर, as the scripture says, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, and the prophet said, और नबी ने कहा, when he came to that state, जब वो स्थिति में आया, and there was no friend left, और कोई मित्र बचा नहीं था, where is your girlfriend now? अब तुम्हारी girlfriend कहाँ गई? Where is your boyfriend now? अब तुम्हारा boyfriend कहाँ गया? Where is your college friend? अब तुम्हारा कॉलेज का मित्र कहाँ गया? Where is auntie now? अब आंटी कहाँ गई? Where is uncle now? अब अंकल कहाँ गए? Nobody is there. कोई भी वहाँ नहीं है। Yes. In that pig pen. उस सुअर के दड़बे में। When one day. तब एक दिन। But this is how Brother Branham places it. इस तरीके से भाई ब्रैनम इसको रखते हैं। But back at home. पर पीछे घर में, the father and the mother, बाप और माँ, they were praying every day, वो हर रोज़ दुआ मांगते थे, and said, oh Lord, do something, वो कहते थे, हे प्रभु कुछ कीजिए, to bring our son back to his mind, ताकि हमारे पुत्र को उसकी आपे में लेके आए, remember brother sister, याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, prayers are answered, दुआओं का जवाब मिलता है। Prayers are answered. प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। It may take some time. हो सकता है कुछ समय लगे। But one day the reply comes. और एक दिन जवाब आता है। It has to come. उसे आना है। Amen. Mother is walking nervously. माँ बड़े घबराए हुए चल रही है। And she's crying in her heart. Brother Branham pictures right like this. What's happening to my son? और वो भाई ब्रह्म इसको ऐसे दिखाते हैं। और वो अपने हृदय में रो रही है, क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, क्या हो रहा होगा? Where must he be right now? वो अभी कहाँ होगा मेरा बेटा? Where must he be? वो कहाँ होगा? There's a cry in her heart. एक हृदय में पुकार है. And the father comes and says. और बाप आके कहता है. Let's pray. आओ हम दुआ मांगे. Let's pray. आओ हम प्रार्थना करें.
That's all we can do. यही हम कर सकते हैं बस. But brother, it's not all we can do. That's the best we can do. Amen. पर भाई, यही नहीं है जो हम कर सकते हैं, पर ये सबसे उत्तम चीज़ है जो हम कर सकते हैं. Amen. And that night, maybe the daddy and mom prayed very earnestly. और हो सकता है बहुत ही तीव्रता के साथ उस रात उस पापा ने और मामा ने दुआ मांगी होगी. And Brother Branham said, और ब्रैनम ने कहा, when God was hearing that prayer, जब खुदावन उस प्रार्थना को सुन रहे थे, of that father and mother, उस पिता और माता की, he was sending some angels, वो कुछ दूतों को भेज रहे थे, to that big barnyard, उस सुअर के दड़बे में, go to that boy, ठीक उस लड़के के पास. And tell him, और उसे जाके कहो, bring him back to his mind. उसके उसको उसके आपे में लेके आओ. He's not in his mind. वो अपने सही दिमाग में नहीं है. When you and I were in sin, जब आप और मैं गुनाह में थे, we were not in our minds. हम अपने दिमाग में नहीं थे, सही दिमाग में. Oh yes, Lord. Amen. Understand it, church. समझिए इसको कलीसिया. Darkened minds. अंधियारे मन. And the Bible says, बाइबल कहती है, and he came to his mind. और वो अपने आपे में आया. Oh, what a great testimony. Oh, क्या महान गवाही है. When a brother or a sister comes back to their mind, जब एक भाई और एक बहन अपने मन में अपने आपे में आ जाए, then he starts realizing, तब वो समझने लगे, Oh God, I have been a sinner. Oh, खुदावन मैं गुनेगार रहा हूँ. But why was the father praying? पर पापा पिता क्यों दुआ मांग रहे थे? Though that son was in a fallen state. जबकि वो बेटा गिरी व्यवस्था में था. Though he was in that pig pen. जबकि वो उस सुअर के ढेर में डरबे में था. Yet he was his son. तो भी वो था तो उसका बेटा ही. He was still his son. Amen. वो अभी भी उसका बेटा है. Though he was in a fallen state. क्योंकि वो जबकि वो गिरी व्यवस्था में. Yet he was his son. तो भी वो उसका बेटा है. Oh, what a thought, brother. ओ क्या खूब विचार है मेरे भाई. We were still his children. हम अभी भी उसके बच्चे थे. Though we were in a fallen state. जबकि हम गिरी व्यवस्था में थे. And said that night. उसने कहा उस रात. When the mother prayed and the father prayed. जब पापा ने दुआ मांगी और मामा ने दुआ मांगी. And when they both prayed. और जब उन्होंने दोनों ने दुआ मांगी. Father told the mother. पिता ने बेटे से माँ से कहा. Something tells me. कुछ चीज मुझे बता रही है. Our prayers are heard. Amen. हमारी दुआएं सुन ली गई हैं. I know my son is returning back. मैं जानता हूँ मेरा बेटा वापस आ रहा है. Yes, I know he's returning back. हाँ, मैं जानता हूँ मेरा बेटा वापस आ रहा है. I want to say this, my precious brother, sister. मैं कहना चाहता हूँ मेरे बेशकीमती भाई, मेरी बहन. And on this side, इस तरफ, that young boy, वो जवान लड़का, tattered clothes, फटे चिथड़े वाले कपड़े हो गए, not even proper clothes to wear, ठीक कपड़े भी नहीं उसके पास पहनने, but the best part, पर सबसे उत्तम बात, now he's come back to his mind, वो अपने अपने आपे में आ गया है, his amnesia started leaving, उसका भुलक्कड़पन उसे छोड़ के जाने लगा है, he started remembering the father's house, उसे बाप के घर की याद आने लगी है, can I show a larger picture, क्या मैं एक बड़ी तस्वीर दिखा सकता हूँ, can I show a larger picture, क्या मैं एक और बड़ी तस्वीर दिखा सकता हूँ, there was a younger son, एक छोटा बेटा था, the gentile, वो अन्य जाति, which was in the far country, जो कि दूर दराज देश में था, But when the sixth trumpet, पर जब छठी तुराई, a famine rose up, जब एक अकाल बढ़ा, at that time, उस समय, when there was gay parties, जब gay party थी, the food of the swines, जो सुअरों का खाना, when the world was in sodom condition, जब दुनिया समलैंगिक अवस्था में थी, and there was economical depression. और वहां पर आर्थिक मंदी थी. God sent Malachi 4. खुदावन ने मलाकी 4 को भेजा. With a message. एक संदेश के साथ. To turn the hearts. ताकि उनके हृदयों को फेर दे. To turn the hearts. ताकि हृदयों को फेर दे. To turn the hearts. ताकि हृदयों को फेर दे. Oh yes, Lord. Let that son come back to his mind. ताकि वो उसका बेटा आपे में आ जाए. प्यारे भाई बहन, एक ही तरीका रह गया अब वापस मन को लौटाने का. उन टेप्स को बजाओ. आमीन.
Amen. Amen. इस पागल बढ़ती पागल मैं कहूंगा बढ़ती पागल दुनिया में अपने मन को स्वस्थ रखने का अब एकमात्र तरीका रह गया है उस आवाज को सुनो. Yes, that's true. Hear that voice. उस आवाज को सुनिए. In the days of the voice of the seventh angel. सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में. There's something about that voice. कुछ है उस आवाज में. Which brings a fallen son. जो कि गिरे बेटे को लेके आती है. To a realization. कि वो इस समझ में आए. Where I have been. कि मैं कहाँ था. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ. Why am I wasting time with the swines? मैं क्यों स्वरों के साथ अपना समय जाया कर रहा हूँ. Listen, brother, sister. सुनिए मेरे भाई मेरी बहन. Who gathers in the pub houses? उन मैखानों में कौन जमा होता है. Swine spirit. स्वर वाली आत्माएं. Exactly the truth, brother. बिल्कुल सत्य है मेरे भाई. Who goes in those disco parties? उन डिस्को पार्टियों में कौन जाता है. And who goes and dances in those DJs? और कौन है जो उन डीजे पे नाचता है. Swine spirits. वो स्वरों वाली आत्माएं. Exactly right. बिल्कुल सही बात है. And the child went to that place. और वो बेटा उस जगह पे चला गया. But one day. पर एक दिन ऐसा हुआ. An angel came. एक दूत आया. Touched his head. उसके माथे को छू लिया. And his mind started walking. और उसका दिमाग चलने लगा. This is called grace. इसे बोलते हैं अनुग्रह. Amen. Hallelujah. Why did that grace didn't come to other people in the country? तो फिर वो अनुग्रह दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं आया जो देश में थे? Only this was his son. केवल यही, क्योंकि केवल यही उसका बेटा था. He was his father. और वो उसका पिता था. Let me say this. मैं कहना चाहूँगा. We have a heavenly father. हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है. Since Eden. अनंत से. When man sinned. जब मनुष्य ने पाप किया. God didn't keep quiet. खुदावन चुपचाप नहीं बैठे. He went forth to work. वो उन्होंने काम चालू कर दिया. And he said, I will not rest. उन्होंने कहा मैं आराम नहीं करूंगा. Till I bring this son back. जब तक कि मैं इस बेटे को वापस ना ले आऊं. To that same state. उसी अवस्था में. Which was in Eden. जो बागयादन में थी. And I feel. और मैं करके ही रहूंगा. I will. और मैं करूंगा. And God's plan can never be defeated. खुदा का खुदा की योजना कभी हराई It नहीं can जा सकती. Never be defeated. उसको कभी हराया नहीं जा सकता. जिस बेटे ने कहा लाओ पैसे और मैं जा रहा हूं अब वही आएगा दौड़ता हुआ. Amen. Hallelujah. Amen. And the son thought. और बेटे ने सोचा. I will return. मैं वापस लौटूंगा. But with what face should I return? पर क्या किस चेहरे के साथ लौटूं? I made fun of them. मैंने उनका मजाक उड़ाया. I don't even have a right to stand in their presence. मेरा पास कोई अधिकार नहीं उनके सामने खड़े होने का. But then he said. तब उन्होंने कहा. I will go and tell my father. मैं जाके अपने पिता से कहूंगा. Now I'm not worthy to be called your son. अब मैं योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं. Please accept me as your servant. कृपया करके मुझे अपने बेटे के अपने दास के रूप में ग्रहण करें. This is not a story told by a storyteller. No. ये कोई ऐसी कहानी नहीं जो एक कहानी सुनाने वाले के द्वारा सुनाई जा रही है. This is the very parable our Lord Jesus said. ये ठीक वही दृष्टांत जो हमारे प्रभु यीशु ने कहा है. He said, "I will return." उन्होंने कहा कि मैं वापस लौट के आऊँगा. And I'll say, "Father." और मैं कहूँगा कि पिता. I'm not worthy to call your son. मैं तेरा बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं हूँ. Do you have a job? क्या आपके पास कोई नौकरी है? Hire me, please, if you can. मुझे किराए पे हायर कर लो. But the Bible says different. Bible फरक कहती है. While he was far off. जब वो दूर मार्ग में ही था. अभी वो दूर ही था. बाप ने देख लिया. Hallelujah. The ancient of days. वो आदि प्राचीन. Saw that son. उन्होंने उस बेटे को देखा. Can you catch that mystery? आप इस भेद को पकड़ पाते हैं? While he was yet far off. जबकि वो अभी बहुत दूर ही था. He had not yet come to the house. अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है. He was still on the way. अभी भी वो मार्ग में ही है. The father ran.
पिता दौड़ के आए. हालेलुया. A mighty angel came down. बड़ी स्वर्गदूत नीचे उतर के आ गए. One foot on land. एक पैर पृथ्वी पे. One foot on sea. एक पैर समुद्र पे. With an open book. खुली पुस्तक के साथ. To tell that son. ताकि उस बेटे से कहें. Your name is here. तेरा नाम यहाँ है. You are my attribute. तू मेरा गुण है. You are a part of my mystery. तू मेरे भेद का हिस्सा है. While he was still on the way, जबकि अभी वो रास्ते में ही था. Follow that mystery, brother. इस भेद को समझिए मेरे भाई. While he was still on the way, जबकि अभी वो मार्ग में ही था. The father ran. पिता दौड़ के गया. Hugged him. उसे गले लगा लिया. Kissed him. उसे चूमा. And he wanted to say, और वो कहना चाहता था, accept me as your servant. अपने दास की माने मुझे ग्रहण करें. Father said, I don't want to even listen. पिता कहते मैं सुनना भी नहीं चाहता. Get the fatted calf. उस पले बछड़े को लो. Get him some new shoes. और नई जूतियां इसको पहना. Change his robes. इसके वस्त्रों को बदल दो. Change his robes. इसके वस्त्रों को बदल दो. Oh my! Hallelujah! 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 Put a ring on his finger. इसके हाथ में उसके अंगुली में अंगूठी पहनाओ. We are going on a dancing party. हम एक नाचने वाली पार्टी में जा रहे हैं. Our son, हमारा बेटा, who was lost, जो खो गया था, has tonight, today returned back. आज वापस लौट गया है. Oh my! Hallelujah! Thank you, Jesus. If there's a dad and mom tonight, अगर कोई माँ या बाप है आज रात्रि, praying for the child, जो अपने बच्चे के लिए दुआ मांगता है, and God, if you find that still the prayers are not heard, और आप पाते हैं कि अभी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, don't worry, चिंता मत करिए, your prayers are heard, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, and the angel is on the way, और दूत रास्ते पे है, to give an answer, ताकि एक जवाब दे, keep that in mind, उसने Keep this thing in your mind. इस बात को दिमाग में रखना. Even in that fallen state. याद है कि उस गिरी अवस्था में भी. He was still a son. वो तो अभी एक बेटा था. He came back to his mind. वो अपने वापस आपे में आया. ये आपे में सब आ नहीं पाते. Yes, yes. सब नहीं आ पाते आपे में, brother. ये आपे में आना, GRACE. Amen. यानी ग्रेस मिल गई. yes. अब जाके अकल खुली. oh, yes. जब पापा समझाते थे तब समझ में नहीं आती थी. जब मम्मी समझाती थी तब अकल नहीं खुली. जब ठुक गए, पिट गए, चुस गए, लुट गए, अब आंखें खुली. सुना आपके, मेरी दुआ है ऐसा ना हो. फिर भी अगर ऐसा हो गया, I'll say, मैं कहूंगा, The parable says, वो दृष्टांत ये कहता है, when the son returned back, जब बेटा वापस लौट के आया, he wanted to take the post of a servant, वो एक दास का काम ले औदा लेना चाहता था, father refused and said, पिता ने इनकार कर दिया और कहा, no, नहीं नहीं, servants are servants, oh my, दास दास है, son is a son, और बेटा बेटा, how can I Reject my genes. कैसे मैं अपने जीवांशों का ही इनकार कर दूं? How can I reject my own attributes? कैसे मैं अपने गुणों का इनकार कर दूं? Listen what the line said. सुनिए पंक्ति क्या कहती है. You didn't accept the Holy Ghost. आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया. Holy Ghost accepted you. पवित्र आत्मा ने आपको ग्रहण किया है. It's Holy Ghost that accepts a believer. ये पवित्र आत्मा है जो एक जीवन को एक विश्वासी को ग्रहण करते हैं. Is the Holy Ghost that accepts a brother and a sister. ये पवित्र आत्मा है जो एक भाई और एक बहन को ग्रहण करते हैं. That's why I'm your best friend tonight for you. I mean, with Christ in me, I would be your best friend. That it's still not too late if you make a decision for your life. मैं कहूंगा मसीह मुझ में है, उसके साथ मैं आपका सबसे बढ़िया मित्र होऊंगा आज रात्रि. ये आपको बताने के लिए कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप उसे लेस ग्रहण कर सकते हैं. After rapture, रैप्चर के बाद, nothing can be done, brother. कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे But while there is still some time, पर जबकि थोड़ा समय बाकी रह गया है, and the door is almost shut, और द्वार लगभग बंद हो चुका है. How brother Branham said, कैसे भाई ब्रैनम ने कहा, there would be a day, एक दिन होगा, some last person, कोई आखिरी शख्स, will receive that Holy Ghost, उस पवित्र आत्मा को पा लेगा. How good it would Amen. be. कितना भला होगा. That would be my son.
वो मेरा बेटा हो, that would be my daughter, मेरी बेटी हो, isn't that your prayer? क्या ये मेरी ये आपकी प्रार्थना नहीं है? Well, let them come in. पर ऐसा हो कि वो अंदर आ जाएं. How many wants your loved ones to be lost? कितने चाहते हैं कि आपके जो प्रिय हैं वो खो जाएं, बर्बाद हो जाएं? Does anybody want that? क्या कोई चाहता है कि वो बर्बाद हो? I think not. मैं सोचता हूँ कोई भी नहीं चाहता. Then my precious brother. फिर मेरे बेशकीमती भाई. Don't forget the family prayer. वो पारिवारिक दुआ को कभी मत भूलिए. Never lose hopes. कभी भी आशाएं ना खोएं. No case is impossible. कोई भी केस असंभव नहीं. No case. कोई भी केस. No case is impossible for our Father. पिता के लिए कोई भी केस असंभव नहीं. Just pray. ठीक प्रार्थना करें. One morning, the Father said. एक सुबह पिता ने कहा. Something tells me. कुछ मुझे बता रहा है. Our son is coming today. हमारा बेटा आज वापस आ रहा है. It was such a good morning. ये इतनी खुश और शुभ सुबह थी. When the father went out. जब पिता बाहर निकले. And this is how Brother Branham said. इस तरह से भाई ब्रह्म ने कहा. He looked at the mother and said, "Mother." उन्होंने माँ की ओर देखा, कहा, "मम्मी." Just come here. ठीक आइए इधर. The news coming. देखो खबर आ रही है. She screamed. वो चिल्लाई. That's our son. वो हमारा बेटा है. You see. आप देखेंगे. The Bible says. बाइबल कहती है. When one sinner comes to Christ. जब एक पापी मसीह के पास आता है. The whole heaven rejoices. पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है. Oh yes, Lord. Is that joy your joy? क्या वो आनंद आपका आनंद है? If yes, अगर ऐसा है, then you're really his son. तो आप वास्तविकता में उसके बेटे हैं. I agree with what Brother Martin said. मैं सहमत हूँ उस बात से जो भाई मार्टिन ने कही. Because that's exactly what I read this and heard this week. क्योंकि यही वो चीज़ है जो मैंने इस हफ्ते सुना. He told Brother Billy or somebody. उन्होंने भाई बिली या किसी से कहा. To a young boy. एक जवान बेटे से. He said, "You know what?" उन्होंने कहा, तुम जानते हो क्या? The greatest joy and satisfaction I find is when I see sinners repenting and accepting Christ. उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा बड़ा आनंद और खुशी मुझे तब होती है जब मैं पापियों को मसीह को ग्रहण करते हुए देखता हूँ. And I think that should be a joy of every believer. मैं सोचता हूँ ये हर एक विश्वासी के लिए आनंद का विषय होना चाहिए. Isn't that true? क्या ये सत्य नहीं? The return of the prodigal. उस मुसरिफ की वापसी. And I want to say, brother. और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई. Listen to this, not just the story. इस केवल मात्र कहानी को ना सुनो. Because this is a mystery. क्योंकि ये एक भेद है. My prayer is. मेरी प्रार्थना ये है. If there are some who are not in the mind, may God bring you back to your mind. अगर कोई है जो अपने ठीक मन में नहीं है, काश खुदावन आपके मन को बहाल करके ले आए. एक चीज कह सकता हूँ. मन करे ना करे, घर जाओ टेप बजा दो. Amen. Yes. चलने दो, समझ में आए खुशियां ना आए, चलने दो. Amen. Yes. थोड़ी देर के बाद कुछ होना शुरू होगा. Amen. Hallelujah. दस साथ यूं ही नहीं बोला गया. Amen. In the days of the voice. उस शब्द देने के दिनों में. I'll show you something. Sit down, please. Amen. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा. बैठिए कृपया. Blessed be the name of the Lord. Amen. मुबारक हो उसका नाम. Amen. See what he says. Just like all the curse of sin is gone when the Holy Ghost accepts you. देखिए वो क्या कहते हैं. ठीक जैसे सारा जो पाप का श्राप है वो चला जाता है जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करते हैं. Oh, what a blessed day. Oh, क्या मुबारक दिन. Say, देखिए, you don't accept it. आप उसे ग्रहण नहीं करते. आप तो ये कहने गए थे मुझे गुलाम बना ले. It accepts you. वो आपको ग्रहण करता है. Say, देखा. Cause it's God's attribute. क्योंकि ये खुदा का गुण है. See, if it's the Holy Ghost. देखिए अगर ये पवित्र आत्मा है. Means God's spirit. अर्थात इसका मतलब है खुदा का आत्मा. And it's the attribute. और ये वो गुण है. The thought of God. जो खुदा का विचार था. Has accepted you. उसने आपको ग्रहण किया है. Because that you were ordained for that purpose. क्योंकि आप उस उद्देश्य से पहले से ठहराए गए थे. You are fulfilling some purpose. आप कुछ उद्देश्य को पूरा करते हैं. That's why the Holy Ghost accepted you. इसलिए पवित्र आत्मा ने आपको ग्रहण किया.
Remember this in life, brother. इस बात को जीवन में याद रखिए मेरे भाई. Holy Ghost is a very holy thing. पवित्र आत्मा बहुत पवित्र चीज है. But on the day of Pentecost. पर पेंटिकोस्ट के दिन. And even later on. और बाद में भी. Who received the Holy Ghost? किसने पवित्र आत्मा पाया? Whose lives are most steeped down in sin. जिनके जीवन पूरी तरीके से पाप में गिरे हुए थे. याद रखना, जिस दिन खुदा मिल गया, Amen. आपके जीवन की कहानी पलट गई. Amen. Hallelujah. बात पक्की है. Amen. Holy Ghost is not just for prime ministers and presidents. पवित्र आत्मा मात्र प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के लिए नहीं. Otherwise you would have to go to a parliament house for it. नहीं तो उसके लिए आपको एक संसद भवन में जाना पड़ेगा. Holy Ghost is for anyone. पवित्र आत्मा किसी के लिए भी है. Who wants to come with a truthful heart. जो एक सत्यनिष्ठ मन से आना चाहता है. Listen to it, brother, sister. सुनिए मेरे भाई, मेरी बहन. This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. The worst of sinners received the Holy Ghost. पापियों में से सबसे बड़े पापी, जो गिरे हुए पापी थे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. Drunkards, पियक्कड़, publicans, महसूल लेने वाले, prostitutes, वेश्याएं, and all such kinds. और इस तमाम सब किस्म के लोग received the Holy Ghost. उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. Amen. God changed them. खुदावन ने उन्हें बदल दिया. Because he said, क्योंकि उन्होंने कहा, I'm just quoting the words of our Lord Jesus. मैं अपने प्रभु यीशु की आयत को बोल रहा हूँ. He said, physician is for sick people. उन्होंने कहा, वैद्य बीमार व्यक्तियों के लिए होता है. He's not for one who are fine. वो उनके लिए नहीं है जो भले चंगे हैं. यानी कि उसने साफ साफ कह दिया फरीसियों से, ये जो आमद हुई है ना आज, Amen. ये तुम फरीसियों के लिए नहीं है. Yes. You're not the beneficiaries of my coming. तुम मेरी आमद के लाभ उठाने वाले नहीं हो. People like Zacchaeus. ज़काई जैसे लोग. Like that woman at the well. उस कुएं पे आई स्त्री जैसे लोग. Like that woman who was caught in sin. वो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई उस जैसी. The one who cried and wiped his feet. वो जिसने रोया और अपने उसके पैरों को पोछा. I've come for such people. मैं ऐसे लोगों के लिए आया हूँ. और तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा, इन्हें बना दूंगा संत. तुम्हारी आंखों के सामने ये बन जाएंगे संत. और तुम्हारा जो अपनी धार्मिकता को लेके बैठे हो, तुम्हारा नामो निशान नहीं. अभी 70-30 आने दो बस. 40 साल और बचे हैं. ना रहेगा ये देश, ना रहेगा तुम्हारा मंदिर, और ना रहोगे तुम. मैं बात कर रहा हूं उस समाने की. Amen. जो बहुत दम भरते थे अपनी धार्मिकता के कामों पे. Amen. क्या हुआ अंजाम? Finished. खत्म. And right before their eyes. और ठीक उनकी आंखों के आगे. The one who was a prostitute. वो जो एक वेश्या थी. The one who was a publican. वो जो एक महसूल लेने वाला था. With Peter on the day of Pentecost maybe. पत्रस के साथ उस पेंटिकोस्ट के दिन हो सकता है. पत्रस, याकूब, यूहन्ना का नाम तो लिखा है, लेकिन 120 में बाकी कौन थे? वहां तो एक भीड़ थी ब्रदर, उसमें कुछ और भी थे. And who knows? और कौन जानता है? The Bible records such names. Bible दर्ज करता है ऐसे नामों को. And such testimonies. और ऐसी गवाहियों को. Because Luke and Mark, when they were writing the gospel, remembered these sisters and brothers because they were the ones who were saved. क्योंकि लूका और मरकुस जो हैं, जब वो अपने इंजीले लिख रहे थे, तो उन्हें याद आया इन बहनों के विषय में, जब ये बचाए गए. और भाइयों के विषय में भी, जब ये बचाए गए. ये महसूल लेने वाला आज अन्य भाषा बोल रहा है भाई. Amen. Hallelujah. ये जिसके 5 पति थे, हम तो उसके जीवन को जानते हैं, सामरी औरत, आज अन्य भाषा बोल रही है. हालेलुया. कहती, आओ तो मैं मसीह के बारे में बताएं. क्या हो गया इनके जीवन को? आमेन. हालेलुया. ये जीवन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है. ओह यस. ये इस उपरोटी कोठरी में है. आमेन. हालेलुया. आमेन. माय ब्रदर, मेरे भाई, व्हाटएवर यू आर, जो कुछ आप हैं, But just come to him. But ठीक उसके पास आ जाइए. Put your case before him. अपने केस को उसके सामने रखिए. And say, Lord Jesus. और कहिए, प्रभु यीशु. I surrender. मैं सब देता हूँ. I can't do it. मैं नहीं कर सकता. You do it in my life. आप कुछ करें मेरे जीवन में. Give me victory, Lord. मुझे जीत दें प्रभु. And when he picks up your battle. और जब वो आपके युद्ध को उठा लें. You can't lose it, brother. तो फिर आप उसे हारेंगे नहीं. Don't try to struggle and fight.
खुद लड़ने और मशक्कत करने की कोशिश मत करें. Just leave it in his hands. ठीक केवल उसके हाथों में सौंप दें. And you'll see how God starts working in your life. और आप देखेंगे कैसे खुदावन काम करने लगते हैं आपके जीवन में. Miracle after miracle. अचंभे के बाद अचंभा. As if you turned a new, fresh chapter in your life. जैसे मानो आपने एक नया अध्याय खोल दिया अपने ही जीवन में. Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई. Now see, I'm going to read some things for you to down, please. देखिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए कुछ. बैठिए कृपया. When the Holy Ghost accepts you, जब पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता है, you don't accept it. देखिए आप उसे ग्रहण नहीं करते. It accepts you. वो आपको ग्रहण करता है. God is God's attribute. क्योंकि ये खुदा का गुण है. See if it's the Holy Ghost means. अगर देखिए अगर ये पवित्र आत्मा है इसका मतलब ये है. God's spirit. खुदा का आत्मा. And it's the attribute. और ये वो गुण है. The thought of God. जो खुदा का विचार है. Has accepted you. उसने आपको ग्रहण किया है. Because that you were ordained for that purpose. क्योंकि आप उस उद्देश्य से ठहराए गए थे. देखा? Yes, you was born in sin. हाँ, आप पाप में जन्मे थे. But God had that attribute. पर खुदा के पास वो गुण था. And here you expressed yourself here on the earth. और यहाँ पर आपने अपने आप को प्रकट किया है यहाँ पृथ्वी पे. And he comes down. और वो नीचे उतर के आता है. And gets you. और आपको ले लेता है. See? देखा? You're back here. आप वापस यहाँ हैं. Here is where you belong. यहाँ हैं आप जहाँ पर जहाँ के आप हैं. You belong to heaven actually. आप स्वर्ग के हैं वास्तविकता में. What did he say? He comes down. Amen. देखिए वो क्या कहते हैं. वो नीचे उतर के आते हैं. And gets you. और आपको ले लेते हैं. It's his snatching power. ये उसकी खींचने वाली झपट्टा मार के लेने वाली शक्ति है. You are walking with a blind mind. आप एक अंधे दिमाग से चल रहे हैं. You are still lost. आप अभी भी खोए हुए हैं. But a hand came. पर एक हाथ आया. हर पाजो कर लिया. झपट्टा मार लिया. Snatched you out. आपको झपट्टा मार के खींच लिया. You woke up. आप जग गए. Yes. ये कहां हूं मैं? Suddenly you realized. अचानक से आपको समझ में आया. I was a purpose of God. मैं खुदा का एक उद्देश्य था. He came down. वो नीचे उतर के आया. And he got you. और उसने आपको पकड़ लिया. See, you're back here. Here is where you belong. देखिए आप यहाँ पर यहाँ के हैं. यहाँ के हैं आप. See? देखा? Sin has lost its power. पाप ने अपनी सामर्थ को खो दिया है. How many love this line? कितनों को ये पंक्ति पसंद है? Amen. Sin, पाप ने has lost its power. पाप ने अपने अपनी शक्ति को खो दिया है. अपने अधिकार को खो दिया. That's right. Amen. ये बात ठीक है. The desire of sin has done gone from your heart. वो पाप की जो लालसा इच्छा थी वो ठीक आपके हृदय से जा चुकी है. When the Holy Spirit comes in. जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं. You are a restored person. अब आप एक बहाल किए हुए शख्स हैं. You heard restoration of the bright tree last time. आपने पिछले दफा दुल्हन रूपी वृक्ष के बहालीकरण के विषय में सुना था. When the Holy Ghost comes in. जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं. You are a restored person. तो आप एक बहाल किए हुए शख्स हैं. You're restored back to where you were. आप वापस वहां बहाल हो जाते हैं जहां पर आप थे पहले. And then when the earth is restored by the same thing. और तब जब पृथ्वी उसी तरीके से बहाल की जाती है. There can be no more cursing. अब आगे को कोई श्राप देना नहीं हो सकता. No more storms. कोई आगे तूफान नहीं आ सकते. No more winds. कोई ऐसी हवाएं नहीं बह सकती. No more typhoons. कोई ऐसे typhoon. प्रचंड तूफान नहीं आ सकते. Typhoons rather. Typhoons बल्कि हम कहें. You are reconciled. आपका मेल मिलाप हो चुका है. Man and God has met. मनुष्य और खुदा का मिलन हो चुका है. The new earth will be put on its Eden beauty again. नई पृथ्वी फिर से अपनी अदन वाली खूबसूरती को ले आएगी. आप भी वैसे ही जवान हो जाएंगे. Amen, amen. जैसे जवानी में दिखते थे. Amen. See? देखा आपने? The new earth will spread forth her after her baptism of fire. वो नई पृथ्वी अपने आप को फैलाएगी जब उसका आग का बपतिस्मा हो जाएगा उसके बाद. जस्ट थिंक. ठीक सोचिए. She'll catch a fire and burn up. उसमें आग लग जाएगी और वो जल जाएगी. The elements will burn with fervent heat. तमाम तत्व बड़े ही तप्त होके जलेंगे. All the works in the earth will burn. सारे काम इस पृथ्वी में जल जाएंगे. All the water will explode. सारा पानी में विस्फोट हो जाएगा. It'll ignite and blow all. उसमें आग लग जाएगी और सब कुछ
भस्म हो जाएगा. Everything will blow up. हर एक चीज फट जाएगी. Volcanics will erupt. ज्वालामुखी फटेंगे. And thousands of miles in the air. और वो हजारों मील जाएंगे हवा में. Will fly burning hot lava. वो उड़ेगा जलता हुआ गरम गरम लावा. Thousands of miles. Imagine. सोच के देखिए हजारों मील ऊंचा. Every jump. हर एक जरासीम. Next line. अगली पंक्ति. The Holy Spirit of God will cleanse off every speck of all the sin and everything. Amen. पवित्र आत्मा जो खुदा का है वो सब कुछ शुद्ध कर देगा हर एक पाप के अंश को भी हर एक जगह से. So now you realize. तो अब आप ये समझेंगे. That's not just literal fire. ये वास्तविक आग नहीं मात्र. It is also the holy fire. पर ये पवित्र आग भी है. Destroying every demon and every devil. जो कि हर एक शैतान और एक दुष्टात्मा को भस्म करता है. All the devil will be bound and cast into the lake of fire. सारा शैतान और सब कुछ डाल दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया था आग की झील में. Consuming fire. वो भस्म करने वाली आग. God's wrath of fire. खुदा का जलजलाहट वाली आग. And what is that? और ये क्या है? On one hand, it burns to death. एक तरफ तो मौत तक के जला देता है. On the other hand, it purges. दूसरी तरफ वो शुद्ध करता है. Makes it new. और उसे नया बना देता है. Amen. No beast will be there to destroy you again. कोई पशु अब आगे को आपको बर्बाद करने के लिए आगे नहीं होगा. When you walk down the road, जब आप सड़क में आगे चलें, in the flower gardens, उन फूलों के बाग में, there'll not be any serpent there to hiss at you. वहाँ पर कोई भी सांप नहीं होगा जो आपकी ओर फुंकार मारेगा. And bite you. और आपको डंग और आपको काट लेगा. With his poison venom. अपने जहरीले विष से. Oh my. नहीं. Won't it be wonderful? क्या ये खूब नहीं होगा? Listen, there will be none of that new earth ever mounted up. सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नए पृथ्वी पे. Ever mounted up to a little yellow sod bank for a grave? Be none of them there. Oh, कभी भी एक छोटी मिट्टी का ढेर नहीं लगाया जाएगा जो पीली मिट्टी होगी जहां पर एक कब्र रख बनाई जाए. वहां कब्रें नहीं होंगी. Yes. Are you hearing something? Amen. क्या आप कुछ सुन रहे हैं? Amen. There'll be no grave there. वहां कोई कब्र नहीं होगी. Amen. आगे कहते हैं, Man and God has come together. मनुष्य और खुदा एक साथ आ गए हैं. Bride and bridegroom. दूल्हा दुल्हन और दुल्हा. Heavens and earth. स्वर्ग और पृथ्वी. Has embraced each other. उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है. Amen. Are we living in a bride age? क्या हम उस दुल्हन के युग में रह रहे हैं? Amen. I believe in a way the bridegroom came and the bridegroom married a bride. क्या हम उस युग में रह रहे हैं जिसमें दुल्हा आया और उसने दुल्हन के साथ शादी करी? Once again, did heaven come down? क्या एक बार फिर से स्वर्ग नीचे उतर के आया? Amen. Did man and God come together? क्या मनुष्य और खुदा एक साथ आए? You're not just looking in the future. हम ठीक भविष्य में नहीं देख रहे मात्र. I'm showing you the present tense. मैं आपको वर्तमान काल दिखा रहा हूँ. Amen. And what did he say? और क्यों उन्होंने कहा? I'm saying, what did he say? और उन्होंने क्या कहा? There'll be no grave there. वहाँ पर कोई कब्र नहीं होगी. इसका मतलब कुछ होंगे. Amen. Hallelujah. जो कब्र के रास्ते नहीं जाएंगे. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. There are even some here. यहाँ तक कुछ यहाँ पर भी हैं. Who will not taste of death? जो मृत्यु को नहीं चखेंगे. Who will be caught up alive? जो कि जिंदा उठा लिए जाएंगे. To that new body. उस नई देह में. Can you believe that, brother? क्या आप विश्वास करते हैं मेरे भाई? This is where you and I have been put forward for. यही वो जगह है जहाँ पर आपको और मेरे को रखा गया है जिसके लिए. Sit down, please. बैठे कृपया. There'll be no graves there. वहाँ कोई कब्रें नहीं होंगी. Because there was no more death. क्योंकि आगे कोई मृत्यु ना थी. That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है. So there are no graveyards and graves in the new heaven and new earth. तो नया आकाश और नई पृथ्वी में कोई ग्रेवयार्ड नहीं होगा. बिकॉज नोबडी डाइज. क्योंकि कोई वहां मरता नहीं. कब्रिस्तान नहीं होगा. कुड इट बी. क्या ऐसा हो सकता है? दैट वाज द सेम थिंग व्हिच हैपेंस देयर विद द अर्थ. कि जो कुछ होगा वहां पर पृथ्वी पे हैपेंस विद अ मैन हियर. एक आदमी के साथ यहां हो. एंड व्हेन दैट हैपेंस. और जब ये होगा. हेवन एंड अर्थ हैव मेट टुगेदर. स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिल चुके हो. इन अ टेंट विजन. एक तंबू के दर्शन में. आमेन.
in a third pole. एक तीसरे खिंचाव के नीचे. Amen. Hallelujah. God bless you, sister. Not just to resurrect the fish. केवल मात्र एक मछली को जगाने के लिए, जिलाने के लिए नहीं. That was just a demonstration. ये तो केवल एक प्रदर्शन था. But that same power, पर वही सामर्थ, which could resurrect the fish, जो कि एक मछली को जिला सकती है, can change a body, एक देह को बदल सकती है. Hallelujah. Can you and I catch that mystery? क्या आप और मैं उस भेद को पकड़ पाते हैं? Amen, amen, amen. Follow that, brother, sister. इसको समझिए मेरे भाई मेरी बहन. Because we are now living in that time. क्योंकि हम उस समय में रह रहे हैं. Once again. एक बार फिर से. Heavens and earth. स्वर्ग और पृथ्वी. सारी भूमि नहीं. देहों. कुछ भूमियाँ. Amen. Amen. Some bodies. कुछ देह. Where heaven and earth will meet. जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी मिलेंगे. And when that happens. और फिर जब वो होगा. That brother breaks into visions. वो भाई दर्शनों में घुस जाएगा. That sister breaks into visions. वो बहन दर्शनों में चली जाएगी. And when that happens. और जब ये होगा. It's God stepping on this earth. ये खुदावन है जो इस पृथ्वी पे कदम रख रहे हैं. Ready to change that body. तैयार है कि उस देह को बदल दे. Listen, brother. Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. Oh, it's a wonderful message. Oh, ये बहुत अद्भुत संदेश है. Amen. I'm concentrating on one side, लेकिन मेरे को मालूम है आगे भी ये बातें हैं, तो I'll bring it back for you. Man and God has come together. मनुष्य और खुदावन एक साथ आए हैं. Bride and bridegroom. दुल्हा और दुल्हन. Heavens and earth. स्वर्ग और पृथ्वी. Has embraced each other. उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है. क्या ये इस युग में हुआ? Amen. Amen. We are not just talking about that new heavens and new earth. हम केवल मात्र उस नया आकाश नई पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रहे. We are talking about a present day happening. हम एक वर्तमान काल की घटना के विषय में बात कर रहे हैं. When heavens came down. जब स्वर्ग नीचे उतर के आए. The bridegroom came down. दुल्हा नीचे उतर के आया. To meet his bride. ताकि अपनी दुल्हन से मिले. And became one with her. और उसके साथ एक हो गया. Did it happen? क्या ये हुआ? Did she become pregnant? तो फिर वो गर्भवती है. Did she carry the seed? क्या वो उस बीज को लेके चल रही है? What is the seed for? ये बीज किस लिए? What was said to Ruth? रूथ से क्या कहा गया? To resurrect the seed of the dead. ताकि मरे हुए के बीज को फिर से जिला दे. This marriage is for a resurrection. Hallelujah. ये शादी एक पुनरुत्थान के लिए है. This marriage is for a change of the body. ये शादी एक देह के बदलाव के लिए है. This marriage is for a rapture. ये शादी एक रैप्चर के लिए है. That we become one body with him. ताकि हम उसके साथ एक देह बन जाएं. Like his body, our body. जैसे ठीक उसकी देह है वैसे हमारी देह हो जाए. That's what the real marriage is. ये है वास्तविक शादी. They twain shall be one flesh. Amen. और वे दोनों एक तन होंगे. इनसे पूछिए आपका तन क्या है? Amen. तो आप कहेंगे यही तो शादी है. Amen. कि हम दो एक तन हो. यानी जो मेरा तन वही तुम्हारा तन. हालेलुया. ये मांस लहू नहीं. No. But the one which was made without hands. पर एक ऐसा जो बिना हाथों के बनाया गया. That we are fashioned according to his body. कि हम उसकी देह के अनुसार बन जाएं. That's what the marriage is for. यही इसलिए शादी भी है. Under the seventh seal. उस सातवीं मोहर के नीचे. And proving his word. वो वचन के साबित करने वाले संदेश. In that message. उस संदेश में उन्होंने कहा. The prophet said. नबी ने कहा. The son of man. मनुष्य का पुत्र. Came down. नीचे उतर के आया. In human flesh. और एक इंसानी देह में. To unite the two together. ताकि एक दोनों को एक साथ कर दे. God came in flesh. खुदावन इंसानी शरीर में आया. To unite the two together. ताकि उन दो को एक कर दे. Are we living in that time? क्या हम उस समय में रह रहे हैं? He was united in a prophet. वो एक नबी में एक हुआ. Now he's united in the bride. परंतु अब वो एक हो रहे दुल्हन में. There are some more sons. कुछ और अन्य बेटे हैं. There are some more daughters. कुछ और बेटियां हैं. Where the father? जहां पर पिता. Where the husband? जहां पर वो पति. And the bride. और दुल्हन. Are becoming one. एक हो रहे हैं. Amen. Amen. This is not a sexual union. ये कोई सेक्स वाला एकता नहीं है. But this is another union. पर ये एक और एकता है. It's a level of spirit and soul. ये प्राण और आत्मा का मिलन है. When that happens. जब ये होता है. Heavens and earth have met. स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके हैं.
And there was no more death. और आगे को कोई मृत्यु ना रही. अब लाइन समझ में आ रही है? Amen. Hallelujah. When heavens and earth came together. Amen. जब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आ गए. When Revelation 10 happened. जब प्रकाशवाक्य 10 घटा. And there was no more death. और फिर आगे को कोई मृत्यु ना थी. And time shall be no more. और समय आगे को ना रहेगा. Eternity breaks in. अनंतता अंदर आ जाती है. Everything ends up on that seventh seal. हर एक चीज उस सातवीं मोहर पे ही पूरी होती है. It's the end of the struggling nature. वो जद्दोजहद करने वाले स्वभाव का अंत है. It's the end of struggling world. ये तो उस जद्दोजहद करने वाले दुनिया का अंत है. It's even the end of earth. याद रखिए पृथ्वी का अंत है. Even this earth. याद रखिए इस पृथ्वी का अंत है. It's even the end of time. याद रखिए समय का अंत भी है. And in feast of the trumpets, he said. दुराई युग पर वाले सन्मुख ने कहा. The bride is caught up in the mystery. That seventh seal. दुल्हन उठा ली जाती है उस भेद में उसकी सातवीं मोहर का है. Why? क्यों? It is in that seal. उस मोहर में. He comes down. वो नीचे उतर के आता है. To unite with some bodies. ताकि कुछ देहों के साथ एक हो जाए. First in the minds. पहले उनके मनों में. In their hearts. उनके हृदयों में. Change their minds. उनके मनों को बदलता है. Like his mind. जैसे उसका मन है. And then change their bodies. फिर उनके देहों को बदल देता है. It's a union. ये एक मिलन है. Invisible and then visible. ये पहले अदृश्य था और फिर ये दिखने वाला हो जाता है. And then you go to the future home. और फिर वो जाते हैं भविष्य के घर में. Can you say amen? क्या आमीन बोल सकते हैं? Amen. Amen. Hallelujah. It's after the marriage. ये शादी के बाद है. He preached invisible union. उन्होंने प्रचार किया अदृश्य मिलन. And told about your marriage certificate. और आपके उस विवाह के प्रमाण पत्र के बारे में बताया. After the marriage. उस शादी के बाद. You see, try to understand that. देखिए समझने की कोशिश करिए. The bridegroom came. दुल्हाया. Revelations 10. प्रकाश वाक्य 10. Heavens and earth met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले. From eternity came those seven angels. अनंता से वो सात दूत आए. Eternity and time met. अनंता और समय मिले. And picked up a man from time into that eternal realm. और समय से एक आदमी को उठाया और अनंता याम मिले गए. And give them, send him back with a message. और उसे वापस एक संदेश के साथ भेजा. Can you say amen? क्या आमीन बोल सकते हैं? And when he preached that message, और जब उन्होंने उस संदेश का प्रचार किया, it was to pregnate a bride. वो एक दुल्हन को गर्भवती बनाने के लिए था. Henceforth, I'll not call you church. आगे मैं तुम्हें कलीसा नहीं कहूँगा. I'll call you bride. मैं तुम्हें दुल्हन कहूँगा. Then few months later, फिर कुछ महीनों के बाद, she's pregnant. वो गर्भवती है. July 28th. जुलाई 28th. Christ, the mystery of God. मसी खुदा का भेद. She's already pregnant. वो पहले से गर्भवती हो चुकी है. Then later. फिर बाद में. One, two or years later. दो साल बाद. He's preaching invisible union. जो प्रचार कर रहे दृश्य मिलन. And the three virtues. और वो तीन जो भरोसे हैं गुण हैं. And he said the first virtue is. और कहते हैं पहला गुण ये है. She can say yes and she can say no. Amen. वो हाँ कह सकती है या वो ना कह सकती है. But he preached it after the marriage. पर उन्होंने हालेलुया उन्होंने शादी के बाद इसको प्रचार किया. It was not preached like that. ये इस तरीके से प्रचार किया गया. That marriage and divorce opened when the book was opened. कि विवाह और तलाक खुला जब पुस्तक खोली गई. Now she has a right. अब उसके पास अधिकार है. She already said yes to somebody. उसने पहले से किसी को हाँ कह दी है. Now she has a no for others. अब उसके पास ना ही बचा है बाकियों के लिए. She cannot say yes to others. वो बाकियों को अब हाँ कह ही नहीं सकती. She don't say yes to one. वो किसने केवल हाँ एक को कहा है. She is a part of him. वो उसका हिस्सा है. And he knows it. और वो ये जानते हैं. Flesh on my flesh. मेरे मांस में का मांस. Bone on my bones. मेरे हड्डी में की हड्डी. Spirit on my spirit. मेरे आत्मा में की आत्मा. Life on my life. मेरे जीवन में का जीवन. That's what he came down for. जिसके लिए वो नीचे आया. To unite with the bride. ताकि वो दुल्हन से एक हो जाए. Heaven and earth embraced together. Amen. स्वर्ग और पृथ्वी ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया. I know it's going to happen in future. मैं जानता हूँ भविष्य में होगा. But there are some lives standing here. पर मैं जानता हूँ कुछ जीवन हैं जो यहाँ खड़े हैं. Let me personalize it. मैं इसको निजी बनाऊंगा व्यक्तिगत बनाऊंगा. Best तरीका मोटी किताबों को पढ़ने का ये है, रटो नहीं, करो. Amen. जब उसे करोगे वो कभी दिमाग से नहीं निकलेगा. Amen. जी ये मोटी सेवन सीज की किताब एक खाने को दे दी. कैसे बैठ के खाऊं? खाने का मतलब है अप्लाई करो. एप्लीकेशन पन्ने याद दिलवाएगी. Amen. एप्लीकेशन पैराग्राफ याद दिलवाएगा. Amen. आज इस तारीख वो पैराग्राफ पूरा हो रहा है मेरे साथ. Amen. अब वो पैराग्राफ जिंदगी भर नहीं भूलोगे. Yes. ना 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 ना.
These are that kind of things. क्योंकि ये किस्म की चीजें हैं. When the seals opened. जब मोहरें खुली. And a mighty angel came down. और बलि सरदूत नीचे उतर के आए. आप कहियो को दिखता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? But thank God हमें दिखता है. Amen. The mighty angel came down. जब बलि सरदूत नीचे उतर के आए. Revelation 10 was fulfilled. प्रकाश वाक्य 10 पूरा हुआ. The book was opened. पुस्तक खोली गई. And given to us. और हमें दी गई. Now you take it. और अब तुम लो इसे. And you also eat it. और तुम भी इसे खाओ. A prophet ate it. एक नबी ने इसे खाया. And see what happened with him. और देखिए उनके साथ क्या हुआ. Now it's time for you to eat it. पर अब आप तुम्हारा मौका है इसे खाने का. Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए. When a prophet ate it. जब नबी ने खाया इसे. He couldn't eat it for more than 2 or 3 years. He was gone. My. वो 2 या 3 साल से ज़्यादा उसे खा नहीं पाए और उनको चले गए. A disease he was suffering for 42 or so long years, yes. एक ऐसी बीमारी से वो पीड़ित थे 42 साल से. It was over, finished. खत्म हो गई. By a miracle. एक आश्चर्यकर्म के द्वारा. आप 2-2.5 साल खा के दुनिया में रह नहीं पाए. हम तो पिछले 30 साल से खा रहे हैं या खा रहे हैं. खाने का काम भी पवित्र आत्मा का है. वही खिलवाएंगे. But anyhow, let me say something. मैं कुछ कहूंगा. He ate the book. उन्होंने पुस्तक को खाया. And he preached it for you. उन्होंने उसको आपके लिए प्रचार किया. Now you eat the book. अब आप पुस्तक को खाएं. Eat it. उसे खाएं. Make it a part of your life. अपने जीवन का उसे हिस्सा बनाएं. Now I'll say it for you, some people. अब मैं कहूंगा कुछ लोगों के लिए यहाँ. You who are standing or sitting here. आप जो यहाँ खड़े हैं या बैठे हैं. Do you realize? क्या आपने सोचा? There are some flesh bodies in this room. कुछ ऐसी मांस रूपी देह हैं इस कमरे में. Where heaven literally came down and united with earth. जहाँ पर स्वर्ग वास्तविकता में नीचे उतरा और पृथ्वी के साथ एक हो गया. Amen. There are some bodies where it happened. कुछ ऐसी शरीर हैं, कुछ ऐसी देह हैं जहाँ पर ऐसा हुआ. And this remember, it happened in the life of Jesus, our Lord. और ये हमारे प्रभु यीशु के जीवन में हुआ. And after that day. और उस दिन के बाद. खैर उस दिन के बाद नहीं कहूँगा. उनके साथ तो हमेशा से ही था. Yes. He said the son can do nothing till the father shows him. उन्होंने कहा पुत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता ही उन्हें ना दिखाए. He didn't have to struggle to pray. उन्हें प्रार्थना करने के लिए मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ती थी. It was his life. ये उनका जीवन था. If the son of God was dependent on prayer, अगर खुदा का पुत्र उस प्रार्थना पे निर्भर था, who was that by the way? कौन था वो वास्तविकता में? Learn something tonight. आज रात्रि कुछ अपनी अकल मत चलाओ. Yes. He's God. वो खुदावन है. God in flesh. उस इंसानी शरीर में खुदा है. God in flesh depended on prayers. खुदावन जो इंसानी शरीर में थे प्रार्थनाओं पे निर्भर थे. What's he doing in Gethsemane? Gethsemane में क्या कर रहे हैं? Will you wake up with me for some time? क्या थोड़े समय तुम मेरे लिए जागोगे? While I pray. जब मैं तुम प्रार्थना करता हूँ. It was his habit. वो उनकी आदत थी. You mean God prayed? आपका मतलब है खुदा ने दुआ मांगी? हम तो सोचते हैं कि इंसान दुआ करता है. God prayed. खुदा ने दुआ मांगी. खुदा ने. God of course in flesh. हाँ बेशक खुदावन जो इंसानी शरीर में थे. That attribute, that office. वो औदा, वो गुण. He prayed. उन्होंने दुआ मांगी. He left an example for you and I. उन्होंने आपके और मेरे लिए एक उदाहरण छोड़ा. Whenever you are tired. जब कभी आप थके हुए हों. You think he didn't used to get tired? आप ये सोचते हैं उनको थकान नहीं होती होगी? How Brother Branham said. कैसे भाई ब्रैनम ने कहा? You see, whole meeting I didn't get tired. उन्होंने कहा कि देखिए पूरी मीटिंग में मेरे को थकान नहीं लगी. One discernment and you see what's happening with me. पर एक discernment हो गया, एक हृदय की बात जानना हो गई और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है. And after some time, Brother Billy Paul and somebody came. Doc Branham used to be there. Carry him out of the room. और कभी थोड़े देर बाद ये होता था बिली पॉल या कोई आते थे जैसे डॉग ब्रैनम, वो उन्हें कमरे से बाहर ले जाते थे. कहते जब मुझ जैसे के साथ ये हो रहा है तो यीशु मसीह के साथ क्या होता होगा. वी सेड व्हेन द वुमन टच्ड हिम वर्च्यू वेंट आउट ऑफ मी. जिसने कहा यीशु मसीह ने कि जब उस स्त्री ने उसे छुआ तो उसने बोला मुझ में से सामर्थ निकली है. तो जब वो रात को दुआ करने पहाड़ जाते होंगे तो खा पी के मिक्सी में शेक बना के बादाम का खा पी के तब जाते होंगे फुल ताकत के साथ कि आओ अब मैं दुआ करूं. और ही वेंट टू प्रे
when he was very very down and tired ya tab wo prarthna karne jaate jab wo bahut hi giravat aur bahut hi thakavat mehsoos kar rahe hote honge but he took that tired body par unhone usi thaki hui deh ko liya and put it on the ground zameen pe dal diya and said kaha father pita you always hear me hamesha meri sunte hain after some minutes kuch minuton ke baad vision starts breaking darshan khulne lagte hain new strength starts coming naya bal aane lagta hai he starts seeing some things wo kuch cheezon ko dekhne lagte hain tomorrow you'll go in that street kal tum us sadak mein jaoge yes father ji ha pita can you see that blind man kya tum us andhe aadmi ko dekh pa rahe ho you know what's his name जानते उसका नाम क्या है? His name is Bartimaeus. उसका नाम बर्तुलमई है। So go through that way. तो उस रास्ते से होके जाना। Tell your disciples I have to go through that line. अपने चेलों से कहना मुझे इस जगह से जाना है। And you got to bring back his eyes. और तुम्हें उसकी आँखें वापस लौटानी है। Then you go to that well, see? फिर तुम उस कुएं पे जाना, देखा? Then you have to go under that tree, see? फिर तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाना है। Yes, father. जी हाँ पिता। He's getting some new strength. उन्हें और बल मिल रहा है। This is his life. ये उनका जीवन है। This is the life of the Son of God. ये खुदा के पुत्र का जीवन है। Did Lord Jesus have the Holy Ghost? क्या ये प्रभु यीशु के पास पवित्र आत्मा था? मुझे सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। What happened? He himself is the Holy Ghost. क्या हुआ? वो स्वयं ही पवित्र आत्मा है। What did he say? उन्होंने क्या कहा? Howbeit when I'm gone, क्या हो कि मैं चला जाऊंगा? You shall receive the Spirit of Truth. तुम सत्य के आत्मा को पाओगे। And you know that Spirit. और तुम उस आत्मा को जानते हो For he is yet with you, क्योंकि वो अभी तुम्हारे साथ रहता है and shall be in you. और फिर तुम्हारे अंदर रहेगा What was he doing? क्या कर रहे थे वो Prayers. प्रार्थना Dependent on the Father. पिता पे निर्भर थे Every minute, हर समय हर मिनट Show me Father. पिता मुझे दिखाएं यही होने जा रहा है अब कुछ लोगों के साथ Amen. उड़ने से पहले Amen. जो लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे मैं लिख के दे रहा हूं वो बहुत दिन इस दुनिया में अब रहेंगे भी नहीं एंड कुछ हैं मैं बात कर रहा हूं आलमगीर दुनिया की जो इस अवस्था में पहुंचेंगे Amen. खुदा उन्हें ला रहा है Amen. They lose taste of the world. वो दुनिया की चीजों का स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता यीशु मसीह से बोला मालूम आज तुर्की में भूखचाल आया था प्रभु जी यीशु मसीह आपने अखबार पढ़ा आज का अच्छा मैं तो दुआ में था आपने आज की खबर नहीं सुनी अरे सब जगह खबर जा रही है तो जवाब में कहेंगे क्या जिन पे सुलाम का गुम्मट गिरा मैं बाइबल की आयत बोल रहा हूं Amen. क्या तुमसे ज्यादा रासबास थे अगर तुम मन ना फिराओ तो कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो ये हैं शम मनुष्य के पुत्र के जब उन्हें खबर सुनाई जाती थी आपको मालूम क्या हो रहा है उन्हें हां काफी कुछ मालूम है और शायद तुमसे ज्यादा मालूम है क्योंकि तुमसे ज्यादा मालूम है इसलिए मैं वो कर रहा हूं जो जरूरी है अखबार पढ़ा करो आईएएस के लिए तैयारी के लिए 2 साल अखबार पढ़ने पड़ते हैं वो तो मैं आईएएस की तैयारी कर ही नहीं रहा मेरे तो कुछ साल बचे हैं मैं यहां से जा रहा हूं पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है अखबार तुम पढ़ो बेटा बैठ के मैं तो प्रार्थना में हूं मैं तो अपने बाप के बिजनेस में हूं कुछ कह रहा हूं मैं आज मैं आपसे आपकी नौकरियां छुड़वा नहीं रहा दुनिया नहीं छुड़वा रहा लेकिन हां क्या खबरें ना पढ़े नबी ने कहा जरूरी है मसीह ने कहा वॉच एंड प्रे वॉट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉच And then pray. ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले देखो, फिर प्रार्थना करो. Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखो. Prayers are heard. Prayers are heard. प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं. जी हाँ. If you follow the message. अगर आप संदेश को अनुकरण. Sorry. Sit down, please. आप बड़ी देर से खड़े हैं. आज भूल ही गया आपको कहना. God bless you. Amen. 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 Man and God has come together. मनुष्य और खुदा एक साथ आ चुके हैं. It's future. ये भविष्य में होगा. It's happening even today. पर ये यहाँ तक कि आज भी हो रहा है. Did happen in the body of that man? क्या हुआ ये उस देह में उस मनुष्य की? Yes. जी हाँ. Now it happened in your and our bodies. और अब ये होगा आपके और मेरी देह में भी. Amen. Amen.
Man and God has come together. मनुष्य और खुदा एक साथ आ चुके हैं. Bride and bridegroom. दुल्हन और दुल्हा. Heavens and earth. स्वर्ग और पृथ्वी. Has embraced each other. एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया है. God has come down. खुदावन नीचे उतर के आए हैं. To dwell among man. ताकि मनुष्यों के बीच में वास करें. His tabernacle. उसका तंबू. Is with them. वो उनके साथ है. I'll stop here. मैं यहाँ रुकूंगा. I'd like you to turn to Revelation 21. मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाश वाक्य 21 निकालें. And somebody read in Hindi so that we cut short the time from verse 21. Oh, sorry, chapter 21, verse 1. कोई हिंदी में पढ़े ताकि हम समय बचाएं. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा. Yes. फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा. वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो. See that word bride is written there. देखिए वो शब्द दुल्हन वहां लिखा है. Verse 3. तीसरी आयत. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है. वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा. Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? And I heard a great voice out of heaven saying. और मैंने एक बड़े शब्द ऊंचे शब्द को स्वर से कहते हुए सुना. If it not be counted sacrilegious. अगर ये sacrilegious ना माना जाए. Behold, the tent of God is with men. देखो, खुदा का तंबू मनुष्यों के बीच में है. And He will dwell with them. और वो उनके साथ रहेगा. And they shall be his people. और वो उसके लोग होंगे. And God himself shall be with them. और खुदा उनके साथ स्वयं होगा. And be their God. और उनका खुदा कहलाएगा. I know it's going to happen in future. मैं जानता हूँ भविष्य में होगा. But right now. और ठीक इसी वक्त. A voice. एक आवाज. The tent of God. खुदा का तंबू. Is with man. मनुष्यों के साथ है. Amen. Amen. Can I read something? क्या मैं कुछ पढ़ सकता हूँ? What's the next verse? अगली आयत क्या है? When what happened when that tent came? क्या हुआ जब वो तंबू नीचे आया? And God shall wipe away all tears from their eyes. और खुदा उनकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा. And there shall be no more death. और फिर इसके बाद मृत्यु ना होगी. What happens after that tabernacle comes? उस तंबू के नीचे आने के बाद क्या होता है? And there was no more death. और आगे मृत्यु ना होगी. Brother Branham told Brother Perry. Abraham ने बताया भाई पेरी को. Are people waiting for the tent or are they waiting for the rapture? क्या लोग उस तंबू की इंतजारी में या रैप्चर की इंतजारी में हैं? It had to do with a body change. इसका संबंध था एक देह बदलाव के साथ. Are you catching something? क्या आप कुछ पकड़ रहे हैं? Behold the tabernacle of God. देखो खुदा का तंबू. Is with men. मनुष्यों के बीच में है. And he will dwell with them. और वो उनके साथ रहेगा. You see, it'll happen with the whole earth later on. आप देखेंगे ये पूरी दुनिया के साथ भविष्य में होगा. Later in new heavens and new earth. बाद में जब नया आकाश नई पृथ्वी आएंगे. But there are some chosen men and women today. पर कुछ आज चुने पुरुष और स्त्रियां हैं. Where the tabernacle of God is with them. जहां पर खुदा का तंबू उनके साथ है. Tell me. मुझे बताइए. What happened in the first Exodus? क्या होता है पहले निर्गमन में? Was the tabernacle of God was with men? क्या खुदा का तंबू मनुष्यों के बीच में था? Amen. Did God say? क्या खुदा ने कहा? I'll meet you in there. मैं तुझसे वहाँ मिलूँगा. And from there I will talk with you. और वहाँ से मैं तुमसे बात करूँगा. In the first Exodus. पहले निकासी में. Was the tent with the God's people? क्या खुदा के लोगों के साथ वो तंबू था? In the second Exodus. दूसरी निकासी में. That tent was Christ Himself. वो तंबू स्वयं मसीह थे. Was it with man? क्या वो मनुष्यों के साथ था? And now in the third Exodus. और अब तीसरी निकासी में. Where is the tent? वो तंबू कहाँ है? Hallelujah. Glory. It's with man. ये मनुष्यों के साथ है. Amen. And he shall dwell with them. और वो उनके साथ रहेगा. Shall wipe away their tears. और उनके आंसू को पोंछ डालेगा. And there shall be no more death. और कोई मृत्यु ना रहेगी. Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. There are some lives. कुछ ऐसे जीवन हैं. Who are sitting right here. जो ठीक यहाँ बैठे हैं. Where this line will be fulfilled. जहाँ पर ये पंक्ति पूरी होगी. When the bodies are changed. जब उनकी देह बदलेगी. And there was no more death. और कोई और मृत्यु ना रही. It shall be fulfilled one of these days. ये पूरा होगा इन्हीं किन्हीं दिनों में. But right now, what's happening? पर ठीक इसी वक्त क्या हो रहा है? Tabernacle is built with men. ये तंबू जो है मनुष्यों के बीच में बनाया जा रहा है. Then you read Ezekiel. तब आप इसकेल पढ़ते हैं. That prince.
वो प्रधान who walks inside that temple, जो उस मंदिर में चल के आया, the anointing of the most holy, परम पवित्र का अभिषेक, the tabernacle came with man, वो तंबू मनुष्यों के साथ आ गया, and when it starts happening, और जब ये होने लगता है, what happened there, क्या हुआ वहां पर, he fed them, उसे उन्हें खिलाया, they lived in another economy, वो एक दूसरी अर्थव्यवस्था में जी रहे थे, the exodus people were not living by rubles and dollars, जो exodus निर्गमन के लोग थे वो रूबल या डॉलर जैसी मुद्रा के द्वारा नहीं चलाए जा रहे थे, they were eating miracles, वो आश्चर्य कर्म को खाते थे, they were drinking miracles, वो आश्चर्य कर्म को पीते थे, they were healed by miracles, वो चंगाई आश्चर्य कर्म में पाते थे, they lived that kind of economy, वो उस किस्म की अर्थव्यवस्था में जी रहे थे, what about the second exodus, क्या हुआ दूसरे निर्गमन में, they had all things in common, उनके पास चीजें साझे की थी, they lived together, fellowship together, एक साथ रहते थे, संगति एक साथ करते थे, they were a sin free church, वो एक पाप रहित कलीसिया थी, one of these days, इन्हीं दिनों में, you'll realize, अब ये समझेंगे, it's not the rupees, ये कोई रुपए नहीं है, it's not the rubles, ये रूबल नहीं है, it's not the dollar, ये डॉलर नहीं है, it's his economy, ये उसकी अर्थव्यवस्था है, who look after his church, जो अपनी कलीसिया का संभाल दी है, he will feed them, वो उन्हें खिलाएगी, he will care for them, वो उनकी चिंता करेगी, where it will come from, वो कहां से आएंगे, we don't know, ये सब चीज कहां से आएगी हम नहीं जानते, and we don't care for that, और हम उसकी परवाह भी नहीं करते, but he will provide, पर वो मुहैया करेंगे, his tabernacle shall be with man, उसका मंदिर उसका तंबू मनुष्यों के साथ होगा, his tabernacle is right now with us, उसका तंबू ठीक इस वक्त हमारे बीच में है, we are a part of that tent vision, हम उस तंबू के दर्शन का हिस्सा है, the tabernacle of God, khuda ka dera, is with man, manushyon ke sath hai, are you catching the mystery, kya bhed ko pakadwate hain, amen amen hallelujah, when did the tabernacle come, wo tambu kab aaya, when heaven and earth met, amen, jab swarg aur prithvi mile hain, that's now, ye abhi hai, remember when the baptism of holy ghost strikes a believer, yaad rakhiye pavitra atma usme ek vishwasi ko chhuta hai, heavens and earth meet, swarg aur prithvi milte hain, how he sent the seals, kaise unhone mohron mein kaha, right now sitting in heavenly places here, theek isi waqt swarg sthanon mein yahan baithe hue hain, hearing these mysteries, in bhedon ko sun rahe hain, yes brother, ji ha mere bhai, you start losing the count of the world, aap duniya ki ginti ko shumar ko khone lagte hain, you start forgetting the world behind, aap prithvi ko piche chhodne lagte hain, and you start being more heavenly, aur aap aur swargiye ati swargiye ban jate hain, the curse is taken off, श्राप हटा दिया जाता है, कर्स इज टेकन ऑफ, वो श्राप हटा दिया जाता है, हिज टैबरनेकल इज विद देम, उनका तंबू उसके साथ, उनका उसका तंबू उनके साथ है, लिसन ब्रदर, सुनिए मेरे भाई, द डे यू रिसीव द होली गोस्ट, जिस दिन आप पवित्र आत्मा पाते हैं, यू आर बर्नड, आप जल चुके हैं, and now you are a new heaven and new earth, aur ab aap ek nayi prithvi aur naya aakash hain, heaven and earth met in you, swarg aur prithvi aapke andar mili thi, and behold the tabernacle of god is in this man, amen, aur dekho khuda ka tambu is aadmi mein hai, in this man, is aadmi mein hai, this man, is aadmi mein, this sister, this brother, this sister, is bhai mein, us bhai mein, amen, the bride and bridegroom came inside, dulha aur dulhan andar aa gaye, the Amen. father and the son met inside, pita aur putra andar mil chuke hain, hallelujah, hallelujah, and they became one, aur wo ek ho gaye, reconciled, mel milap kiye hue, and the father says, aur pita ye kehte hain, let me take you back from where you came, main tere ko wapas le jaunga jahan se tu aaya hai, that's right brother, ye baat theek hai mere bhai, don't waste your time with these people brother, apne samay ko zaya mat kariye in logon ke saath, of course spend time to get a sinner to Christ, but don't waste your time with this world, बेशक समय लगाइए एक पापी को मसीह के पास लाने में, पर इस दुनिया में अपने समय को जाया मत करिए, स्पेंड मोर टाइम विद द वर्ड, अधिक समय वचन के साथ बिताइए, लेट मी अनाउंस फॉर्मली यू आर नॉट ऑफ दिस प्लेस, आइए मैं इसको फॉर्मली इसकी घोषणा दूं कि आप इस जगह के नहीं हैं, आमेन, यू डोंट बिलोंग हियर, आप यहाँ के नहीं है, यू डोंट एक्चुअली बिलोंग टू दिल्ली और इंडिया और जापान और व्हाटएवर, आप वास्तविकता में दिल्ली के या इंडिया के या जापान या कोई भी हो वहां के you नहीं are heavenly. आप स्वर्गीय हैं, keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए. That's why the Bible calls us ambassadors. इसलिए बाइबल हमें राजदूत कहती है. Ambassadors have the country far behind.
और जो राजदूत होता है उनका देश कहीं पीछे होता है. We are living in a strange country. हम एक अजनबी देश में रह रहे हैं. We are living as aliens and strangers. हम परदेशी और मुसाफिर के रूप में यहाँ रहते हैं. Dwelling in tents. तंबुओं में वास करते हैं. Amen. Looking for a city. एक नगर की आशा में. Whose builder and maker is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला खुदा है. Hallelujah. Oh, brother, listen now. Amen. सुनिए मेरे भाई. हाय हाय, क्या मैसेज है ये. Hallelujah. Oh, what a message. Amen. Thank you, Jesus. There will be no more sin. आगे कोई पाप ना होगा. No more sorrow. कोई दुख नहीं. Never will there ever be a tear drop off a mother's cheek over her baby. कोई भी एक माँ के गाल पे कोई भी रोनाकार आंसू नहीं होगा अपने बच्चे के लिए. Amen. Amen. कोई माँ रो के बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा रही होगी वहां. It'll not happen there. ये वहां नहीं होगा. माँ बाप बैठ के रो रहे हैं, बच्चा एडमिट है, वहां नहीं होगा. Amen. Never. कभी नहीं. Amen. It won't be on that new ground. उस नई भूमि पे ऐसा नहीं होगा. No. नहीं. It's redeemed. ये छुड़ाई हुई है. It belongs to him. ये अब उसकी खुदा की है. And for his that was redeemed out of it. See? और उनके लिए है जो उसके लिए छुड़ाए गए थे. And look, और देखिए, you are a part of that ground. आप उस भूमि के हिस्से हैं. Is that right? क्या ये बात ठीक है? And when he redeemed you, और जब उसने आपको छुड़ा लिया है, he redeemed the earth with the same thing. उसने उस पृथ्वी को उसी के द्वारा छुड़ाया. And you are together again. और अब आप इकट्ठा एक साथ हैं. जिस योजना से आपको छुड़ाया उसी योजना से पृथ्वी को छुड़ाया. और देखो, आप और पृथ्वी एक हो गए. Amen. Oh, how much plainer can it be? See? Oh, ये कितना और अधिक साफ साफ हो सकता है. You have to be redeemed. आपको छुड़ाना जरूरी है. Because you are a part of it. क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं. And if the blood didn't drop on you, और इस अगर लहू आपके ऊपर नहीं गिराया गया, you aren't redeemed yet. तो अभी तक आपका छुटकारा नहीं हुआ. You are not called. आप बुलाए नहीं गए. Then he cleanses it. तब वो उसे शुद्ध करता है. That's the same thing he does in the fire. यही वो चीज करता है आग में. Even the blood dropped. यहाँ तक कि लहू गिराया गया. It's yet got to be cleansed by fire. अभी उसका शुद्धिकरण आग के द्वारा बाकी है. That's right. ये बात ठीक है. For a dwelling place for God. ताकि खुदा के लिए निवास स्थान बन जाए. बात कर रहे हैं पृथ्वी की, लेकिन आपके केस में वो जला चुका अंदर तक. Amen. ताकि आप में रहे. Amen. जला चुके प्रभु. Amen. God already took up his abode potentially. खुदावन ने पहले से अपना निवास स्थान ले लिया है संभावित तौर पे. The kingdom of God is in the earth now. खुदा का राज्य अब इस पृथ्वी पे है. In the hearts of his saints. Amen. उसके संतों के हृदयों में. It's his attributes. ये उसके गुण हैं. That he began in the beginning. जिनको उसने शुरू किया था आरंभ में. Now his attributes is redeemed. अब उसके गुण छुड़ाए लिए गए हैं. What's he waiting? अब वो किसकी इंतजारी में है? To redeem the earth. ताकि पृथ्वी को भी छुड़ा ले. To set his attributes on it. ताकि अपने गुणों को उस पे रखे. To fulfill exactly his predestinated plan. ताकि ठीक सटीक अपने पहले से ठहराए हुई योजना को पूरा करे. Do you see it? क्या आप उसे देख पा रहे हैं? Notice. गौर करिए. No graves. कोई कबर नहीं. अब एक लिस्ट बनाना शुरू करिए अपने मन में. Amen. No graves. कोई कबर नहीं. No teardrops. ना तो कोई आंसू. Never. No more bloodshed. नहीं, कभी नहीं. कोई लहू बहाना नहीं. She'll never be moistened by a teardrop or a blood. यहां तक कि वो पृथ्वी एक लहू या आंसू के द्वारा कभी भी गीली नहीं होगी. No. नहीं. Be no more wars. कोई आगे कोई लड़ाई नहीं होगी. No. नहीं. No clouds of winter. सर्दी के बादल नहीं आएंगे. No cold snow. कोई ठंडी बर्फ नहीं होगी. Upon the breast of her. उसकी सतह के ऊपर. Won't lay there no more on it. नहीं, उसके ऊपर नहीं पड़ेगी. The hot sun. गर्म सूरज. Will not never burn its grass. वो कभी भी उसकी घास को झुलसाएगा नहीं. Hallelujah. Hallelujah. Even the desert, मन में सोचिए, ये लाइन बोल रहा हूं मैं बार बार. Desert shall bring forth roses. याद है कि उस रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल खिलेंगे. The old sticky desert will blossom one day like a rose. ओ, वो पुराना कटीला जो कांटों से भरा हुआ रेगिस्तान है वो खिलेगा एक दिन गुलाबों के साथ. खुदा ने कहा है. When she is redeemed. जब वो छुड़ा ली जाएगी. When she takes a fire baptism. जब वो अपने आग के बपतिस्मे को लेगी. There's all kinds of cactuses and stickers and everything there now.
हर एक किस्म के कैक्टस और कांटे चुबाने वाले कटीली झाड़ियां हैं वहां, कटीली झाड़ियां हैं वहां पर अभी इस वक्त। But she's got a fire baptism coming. पर अब उसके पास बाकी है जो आने वाला है आग का बपतिस्मा। जो ये शब्द में मैं जोर जोर देके बोल रहा हूं, Amen. इसकी एक लिस्ट बनाइए। ये सब अदन में नहीं थे। Amen. Snow laying on the earth. जमीन पे, पृथ्वी पे बर्फ गिरी हुई। It's a sign of the curse. ये एक श्राप का चिन्ह है। It'll not be in future. ये भविष्य में नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? Compare your earth. अपनी पृथ्वी किसे तुलना करिए? Hairs turning white. जो जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं। Snow coming on the earth. बर्फ पृथ्वी पे आ रही है। You see something? क्या आप देख रहे हैं कुछ? Dryness of skin. जो खाल है उसका सूखना। Desert. ये रेगिस्तान है। Prickly. बहुत ही खुजली लगती है। Cactus. ये कैक्टस है, चुपता है। All these were not there. ये सब कुछ नहीं था। Follow it. इसको समझिए। This list. ये जो फेरिस्त है। Is a sign of curse. ये एक श्राप का चिन्ह है। नए आकाश, नई पृथ्वी में बर्फ नहीं होगी। जो बर्फ देखनी है अब जाके मनाली में देख लो। क्या मेरी कभी इच्छा हुई नहीं ऐसी चीज को देखने के लिए जिसपे खुदा का श्राप था? श्राप के बाद आई हुई चीजों को के मजे क्यों लें? भैया चलो बर्फ देखने चलते हैं, गर्मी में बर्फ का मजा। भाई ठीक है जब है तो लो, लेकिन ये बर्फ अदन में थी नहीं। No clouds of winter. कोई सर्दी के बादल नहीं। No cold snow. और ना ही कोई ठंडी बर्फ। And no hot sun. और ना ही गर्म सूरज। जैसा दिल्ली में अभी एक महीने के बाद चमकेगा। जब अब निकलो सड़क पे आज की तारीख के बाद, ये गिनना श्राप। ये सब क्या है? श्राप। श्राप। ये श्राप हैं जिसमें आप चल रहे हो। इन श्रापों के कारण जिस्म बुढ़ा होता है। इन ईडन, अदन में, there was only one climate. केवल एक ही मौसम था। It was not cold, it was not warm. ना तो उसमें ठंडा था ना गर्मी थी। There was a temperature, of course. एक तापमान था बेशक। To tell you frankly, आपको अगर मैं साफ साफ बताऊं, Maybe the man didn't even sweat. यहाँ तक कि हो सकता है मनुष्य को पसीना भी नहीं आता था। Because when he punished man, he said. क्योंकि जब उन्होंने उसको सजा दी, तब उन्होंने कहा, You shall sweat from the head of to the toes. तू सिर से लेके अपने पैर तक के पसीना बहाएगा। तो ये पसीना most probably वहाँ था नहीं। पसीने के साथ आपको मालूम है बीमारियाँ भी आती हैं। ये सारी चीजें जब भी जीवन में हो तो ये मानो ये सब कर्स है। कर्स, आइए मैं मुंह पे बोलूं, ये कर्स है। yes. कर्स है पुरानी पैदाइश का। लेकिन एक चीज बड़ी बलची है, इसमें रहेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया, आमीन। नो मोर हॉट सन, कोई आगे को तप्त सूरज नहीं। मैं आगे पढ़ के भी दिखाऊंगा। कांटे और कांटे वाले पेड़ अदन में थे ही नहीं। यू नो दैट? क्या आपको मालूम है? बाइबल ध्यान से पढ़ा करो। एक नबी पढ़ता थे, उन्होंने समझाया, मैं भी नबी के मैसेज को पढ़ के समझा। कटीली झाड़ियां अदन में थी ही नहीं और नया आकाश नई पृथ्वी पे कांटे वाले पेड़ नहीं होंगे। एक बड़ा प्यारा गुलाब लेकिन तगड़ा कांटा वहां नहीं होगा। गुलाब होगा, कांटा नहीं होगा। Yes. You get the point? आपको बात समझ में आ रही है? These things were not there. ये चीजें वहां नहीं थी। These things came after
ये सारी चीजें श्राप के बाद आई हैं। सुनिएगा ध्यान से, मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने, और कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा तब। But she's got a fire baptism coming. पर अब उसके पास एक आग का बपतिस्मा जो आ रहा है। Like the man was. जैसा मनुष्य था। When he still had hatred, malice, and strife in him. और जब उसके अंदर अभी भी घृणा और द्वेष और झगड़ा है अभी भी। ये क्या है? कटीली झाड़ियां जीवनों में। Yes. क्या यीशु मसीह ने बोला था प्रभु ने कि एक ऐसा बीज है जो कटीली झाड़ियों में गिरा? Amen. वो कटीली झाड़ियों वाली भूमि कौन सी थी? बाहर सड़कों पे या जीवन? कुछ जीवन। तो कटीली झाड़ियां कहां हैं? जीवनों में। जीवनों में। Amen. जो बीज को पनपने नहीं देती, जगत की चिंताएं, पढ़ा नहीं बाइबल में? Amen. आइए थोड़ा आगे बढ़े। नोटिस दिस नाउ, गौर करिए इस पे। लाइक द मैन वॉज व्हेन ही स्टिल हैड हेट्रेड मैलिस एंड स्ट्राइफ इन हिम। और जैसे मनुष्य था जब उसके अंदर घृणा और द्वेष और बैर भाव। When the fire baptism come, जब आग का बपतिस्मा आया, it cleaned it off. उसने सब कुछ साफ कर दिया। No more jealousy. अब आगे कोई जलन नहीं। No more of nothing. कुछ भी आगे को नहीं। अगर कोई बढ़ता हुआ दिखाई दे, आपका दिल खुश होता है। Amen. आप जलन के मारे भूनते नहीं हो। वो बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ पा रहे। सुन मारी है? ये कैसे बढ़ रहा है? ये विचार ही बता रहे हैं। गोंद लगाओ माथे पे, अभी काम बदलने की जरूरत है दोस्त। हाँ जी नहीं, वो जाने कहां पहुंच रही है, और एक हमें ये लफ्ज ही बता रहे हैं कि अंदर कौन बैठा है अभी। मारी है? ये लफ्ज ही बता रहे हैं कि अंदर कौन बैठा है, एक सांप। इसे जलना है। मैं क्योंकि प्रचारों को मैं एक आत्मिक स्तर पे बोलूं, इसने एक अच्छा मैसेज आज क्यों ले लिया? इसके मैसेज में तालियां क्यों पिट गई? क्यों बहनों ने कहा साउल ने मारे 1,000 और दाऊद ने मारे 10,000? अंदर एक सांप बैठा है। समझ आ रही है आपके? उनको अवॉइड करो। सुने वो ब्रदर, उन्हें अवॉइड करो। खैर कुछ सच्ची बातें भी हैं, लेकिन मैं आपको एक द्वेष की बात भी बता रहा हूं। इन्हें किनारे करो, इन्हें आगे बढ़ने मत दो। ये बढ़ेंगे तो जाने हमारा फिर क्या होगा। प्यारे भाई, जब अंदर पवित्र आत्मा मिल जाता है, ये विचार कंपैरिजन वाले, सुन रहे हैं आप, कंपटीशन वाले, कंपटीशन बढ़िया है नीट के लिए, आईआईटी के लिए, रैप्चर के लिए नहीं। सुन रहे हैं आप, ये कंपटीशन को लेके कहीं के रहोगे नहीं। वो जो बैनर की मूवी में मसाला ने कंपटीशन किया, क्या हुआ अंत में? मसाला ही बन गया उसका, याद है? यही होगा, खुली रोड पे सलाद कट जाएगा। जी मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं कि खुदा उन्हें बढ़ा रहा है। इसका रेवलेशन कैसे कबूल कर लिया? इसकी वेदी पे आग कैसे आ गई? मेरी वेदी पे आग क्यों नहीं आई? जो कहता है कर लो, तुम्हारी वेदी पे भी आग आ जाएगी। बोलने वाले को भी मालूम है ये कभी नहीं करेगा, इसके दिल में ही नहीं है। मैं जानता हूं ये कौन है, इसके बाप को मैं जानता हूं, जिसे मैंने सांप बनाया था। ये कभी नहीं कबूल करेगा। ये पत्थर लेके सिर फोड़ सकता है अपने भाई का, ये मर्डर कर सकता है,
ये किसी के इन्फ्लुएंस को किल कर सकता है, लेकिन ये उसके मुकाशवे को कबूल कर ले ये इसके बस का नहीं है। ना 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 ना, ये तमाम बातें बता रहे हैं नबी हैं झाड़ियां, नए आकाश नई पृथ्वी में ये नहीं होंगी। या तो बाइबल सही या हम सही। जो खुदा का कलाम कहता है वो झूठ नहीं हो सकता। वो हमारी बुआ बढ़ती चली जा रही है, वो लड़का बढ़ता चला जा रहा है, तू भी कर कुछ, तू भी कर कुछ। अरे पहले तू भी कर कुछ से पहले ये सिखाओ खुदा के सामने झोंक। वो क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि खुदा उसको बढ़ा रहा है। तू भी कुछ कर। अरे तुम कुछ कर पाए थे? तुम्हारी अकल किस उम्र में जाके खुली? उनके बेटे को देखो कैसे बढ़ रहा है। एक तुम पढ़े रहते हो, पढ़े रहते हो, ये समझाओ बेटा मलाकी चार सुन, आवाज सुनो, पहले आत्मिक चंगाई फिर शरीर की चंगाई। अपनी शक्ल देखी? अब तक वो उठ के जाने क्या क्या कर चुका होता उनका बेटा। एक तुम बैठे हो, अरे क्यों बोल रहे हो यार, पहले ये समझो कि वो कर क्यों रहा है। अब वो भी नहीं करता था, उसने भी करना बेटा काफी समय के बाद शुरू किया जब खुदा ने जीवन में काम किया। तुम ये खुदा के काम को तो देखते नहीं, उसके बाद हुई हुई घटनाओं पे बहुत दम भरते हो। देखो लग गई ना उसकी नौकरी। एक तुम बैठे हो फटीचर, घर में तुम्हारी शक्ल लेते बैठे रहते हो खाते रहते हो। ये समझाओ कि पहले बेटा खुदा को कबूल कर, जिसे खुदा ही ना उठाए वो अपनी मेहनत करके कितना उठ पाएगा, और जिसे ब्रदर प्रभु उठाना चाहे उसे ब्रदर फिर कोई रोक भी नहीं सकता। ये कहा हमान की बीवी ने। याद रख हमान, अगर ये यहूदियों के वंश में से है और तू ही इसको घोड़े पे लेके अब घूम रहा है, आज जो फांसी का फंदा बना के चाह रहा था कि सुबह मरवाए वही अब उसे घुमा रहा है घोड़े पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा अब इनका फेवर कर रहा हो और अब खुदा इन्हें उठा रहा हो। थोड़ा ध्यान रखना, याद रखिएगा, जिसे खुदा उठाए उसे कोई नहीं दबा पाया आज तक। तो ये जलन हसद द्वेष अंदर लेके क्यों परेशान हो प्यारे भाई? ये हैं कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। शिकागो के मिनिस्टर एसोसिएशन के सामने जाके जब उनका मुंह कट गया, एक भी नहीं आया सामने खड़ा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, 400 को निमंत्रण, 400 ने आना था, नबी पहुंचे, बोले मुझे पहले से मालूम है वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया है। अब ऐसा है आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आप मुझे इन तीन शिक्षाओं पे तौलें, अर्थात खुदा एक है, सरपंच और बपतिस्मा। ठीक है आप में से कोई आइए मेरे साथ खड़े होइए मुझे डिस्प्रूव करिए। बोले एक उठ के नहीं आया। बोले मुझसे तो खैर क्या डरे, माइक और खड़ा था जिसे खुदा का दूत कहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने भाई परिग्रीन को सुना बाद में वहां क्या हुआ, शिकागो में बुलाया ने मीटिंग के लिए, आप पहुंच गए और आप सामने बैठे हैं बेंच पे, और वहां मंच से कहा जा रहा है वो देख रहा है ने कि क्योंकि आज भाई ब्रनम नहीं आ पाए हैं तो हमने आज मैसेज एक फलाने ब्रदर को दिया है। परिग्रीन कहते हैं मैं खड़ा होकर बोलूं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे आप तो बैठे हैं, खड़े होइए कि मैं तो यहां हूं, ये झूठ बोल रहा है, ये बना रहे हैं आपको। तो भाई ब्रनम ने मुड़ के कहा पेरी आराम से बैठो, ऐसा होना था।
ऐसा होना था। सुनमारी है, इनके अंदर कुछ नहीं प्रॉब्लम। जरा आप मैसेज ले रहे हो मुझसे बढ़िया लो यार, अगर कोई रूह बच जाएगी तो फायदा किसका होगा? बेसिकली हम और आप काम कर किसी ले रहे हैं? खुदा के राज के लिए है या नहीं? जेलसी, जलन, अंदर गरम गरम सांप घूम रहा है। सुनमारी है, इनकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, मेरी मिनिस्ट्री का क्या हुआ? अरे मिनिस्ट्री बढ़ाता है खुदावंद। इनको देखो भैया, ये मेरे 5 कैंडिडेट, मेरे 10 और एक मैं बैठा हूं। अरे भाई खुदा के पास जाओ। सही मारी है, खुदा अपने आप कैंडिडेट देगा। ये कोई सांप सीढ़ी का खेल थोड़ी ना चल रहा है पानी का बपतिस्मा, कि मेरे 5 मेरे 10। आ रही समझ में? इन छोटी छोटी बातों पे खुदा के बच्चे परेशान नहीं होते। जिसको पवित्र आत्मा मिल जाता है उसका मेन मकसद यह है, क्या बेटे तुम्हारा नया जन्म हुआ? क्या तुम बदले? सबसे पहली चीज फर्स्ट एड। हम में से सबसे बड़ा कौन? उन्होंने कहा जो सबका दास बने। क्या बाइबल है? मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? इनका नाम नबी ने बताया, देखिए वही शब्द मैं हिंदी में बोल रहा हूं। इनका नाम है कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। ये चिन्ह है श्राप के, ये हैं कटीली झाड़ियां, आत्मिक कटीली झाड़ियां, ऐसे समझें। आइए आगे पढ़ते हैं। बोले ये सब था, कहते हैं था एक आदमी में, हेट्रेड मैलेस एंड स्ट्राइफ, वो घृणा द्वेष और झगड़ा, इन हिम, उसमें। व्हेन द फायर बैप्टिज्म कम, जब आग का बपतिस्मा आया, इट क्लीन्ड इट ऑफ, उसने उसको सब साफ कर दिया। अब वो बैठ के लड़ता नहीं। समझ मारी है? नो मोर जेलसी, आगे को कोई जलन नहीं। नो मोर ऑफ नथिंग, नहीं कुछ भी नहीं उसमें। इट जस्ट एब्सोल्युटली इज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर गॉड, ये पूर्णता बस मात्र खुदा के रहने का स्थान, निवास स्थान है। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, दैट्स हिज डेलीगेशन। अब ये उसके डेलीगेशन है, दैट्स गोइंग टू मीट हिम ओवर योंडर, जो उससे वहां मिलने जा रहे हैं। ये है वो झुंड जो उससे वहां मिलने अब जा रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। ओह वाडा, दैट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी। ओ क्या ये कोई कहानी नहीं है, दैट्स अ ट्रुथ, पर ये सत्य है। दैट्स व्हाट गॉड सेड, ये वो खुदा ने कहा है। That's what he has promised. यही उसने इसका वायदा किया That's है। What the bride goes to. यही है जहां पर दुल्हन जाती है। Even the desert. यहां तक कि मरुभूमि भी। He said shall blossom, be a rose. कहा खिलेगी एक गुलाब की मानिंद। Amen. हमें इस भाई को उठने नहीं देना। बहुत साल पहले, 2004 से पहले की कहानी बता रहा हूं। अब तो मैं वंस अपॉन अ टाइम कह सकता हूं। कुछ पुराने यहां बैठे हैं। कुछ कलीसिया के प्राचीनों में एक ब्राइट आइडिया आया। थैंक गॉड उसमें भाई टाइटस नहीं थे और कोई भाई नहीं था। गॉड ब्लेस माय ब्रदर, मैं उनको शुरू से देख रहा हूं। और ना हमारे भाई पीटर थे, बल्कि बेचारे ने हमें खबर बताई। गॉड ब्लेस दैट सोल। लेकिन कुछ और थे। हमें भाई लाल को और इनके इन्फ्लुएंस को किल करना है। हुई थी बात ये बोला गया। इन्हें कुछ जरूरत से ज्यादा इज्जत दी जा रही है चर्च में। इन्हें मैं आपको एग्जैक्ट लव्स बता रहा हूं। इन्हें बहुत चढ़ा दिया जाता है चर्च में, जिसके इतने योग्य हैं नहीं। इन्हें हम इतना अब चढ़ाएंगे नहीं। बोले क्या करें? बोले मैं आपको बताता हूं तरीका। मीटिंग खत्म होते ही उठ जाओ और निकल जाओ। जब शुरू हो तभी घुसो, ताकि ज्यादा इंटरेक्शन हो ही नहीं। आइए देखें ऐसे अच्छी अकलों का क्या काम हुआ।
कुछ दिनों के बाद ऐसी अकलों ने सफदरजंग में एक मीटिंग चालू करी जिसकी गवाहियां बैठी हैं सिस्टर। मेरे साथ फोन पे काफी लंबी बात हुई थी, आपको याद है सिस्टर, बेचारी परेशान थी सफदरजंग का। मैं भी मैं जान और मैं उस घर में गया, मेरे को मालूम है वो घर, एक मीटिंग। भाई पीटर गए, यार ये मीटिंग तो है लेकिन ये किस किस्म की मीटिंग है? तो ऐसा लग रहा है जैसे संडे की हमारी चर्च की मीटिंग होती है, ऐसा तामझाम, तमाशा, पुलपिट, सब कुछ। घर की एक मीटिंग नॉर्मल जैसे होती होना चाहिए, वहां तो पुलपिट और दरिया और ये और वो, जैसे पता नहीं एक चर्ची लग रहा हो। वो आत्मा सी दिख रही थी साफ। तो उन्होंने कहा ब्रदर ये क्या चीज है, तुम समझोगे नहीं, और ये वो, मतलब अंदर क्योंकि एक खिचड़ी पक रही थी। सुनाइए आपके क्या हुआ उसका असर। कुछ दिनों के बाद पकड़े गए और हमारे फादर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। एक मीटिंग में वो पहुंच नहीं पाए, मंगलवार की थी, मुझे वो मंगलवार ही वाली मीटिंग बहुत याद रहती है। भाई टोनी मार्टिन के यहां जी, जिसमें उनको कहा गया कि आप मीटिंग ले लेना भैया, भैया मीटिंग आप लो। वो गए, उन्होंने जाके मीटिंग ली और जब जाके उन्होंने वहां मीटिंग ली तो मीटिंग में एक ऐसी बात आई जिसने तो बवाल ही उछाल दिया। कुछ पुराने यहां बैठे होंगे, उन्हें याद होगा, याद है वो बात कि उत्पत्ति 18 में आप शरीर में नहीं थियोफनी में आए थे। पहले तो बात थियोफनी की थी ब्रदर, वो थियोफनी थी। तो भाई ने सवाल पूछा मुझसे कि भाई थियोफनी क्या खाती पीती है? मैंने कहा ब्रदर आज तक तो मैंने पढ़ा नहीं नबी के मैसेज में कि वो क्या थियोफनी आई थी। नबी तो कहा शरीर में आया था, बस वहीं बवाल चालू। और देखना ब्रदर, भाई लाल से आके कहते हैं चर्च टूटने वाला है, उनके मुंह पे कह रहे हैं पास्टर से, ये हिम्मत देखो आप। और अगर टूटा ब्रदर 80% लोग मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा देखेंगे बेटा कितने हैं तुम्हारे साथ, ये भी देखते हैं चलो। जब समय आया एक ऐसा माहौल बना, जितने 80% क्या मैं कहूंगा 20% उस टाइम पे जितने भी थे जो गए, उसका यहां आज क्या हाल है वो खैर हमारे भाई टाइटस और भाई लोग जानते हैं कि हम प्रॉब्लम फेस करते हैं बिठाने की, क्या सच्चाई है। मैं क्यों बोल रहा हूं इन बातों को प्यारे भाई, एक व्यर्थ के विचार दिल में लेके बैठना, एक फोड़ा पकाना, एक खिचड़ी पकाना अपनी, इनको कुछ ज्यादा इज्जत मिल रही है? अरे भाई जिसे खुदा इज्जत दे उसकी इज्जत है। हम थोड़ी इनकी इज्जत ठंडी करें, भाई लाल के लिए सब बोले गए, इनकी इज्जत हम थोड़ी ठंडी करें। बात यहां से चालू हुई थी, अंत में आपका क्या हुआ, आपकी ही इज्जत ठंडी हो गई। ऐसी कटीली झाड़ियों को लेके क्या फायदा मिनिस्ट्री करने का दोस्त, समझ मारी है। जहां मैं बात कर रहा हूं एक चर्च वर्ल्ड में दुनिया में चल रहा है, नबी के साथ ये हुआ, आज प्रचारकों के बीच में ये होता है। आइए कलीसिया स्तर पे ये बड़े चले जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरा हाल, अरे भाई ये भी देखो कि वो कर क्या रहा है, समझ मारी है आपके। जिसे खुदावंद उठाए ब्रदर उसको देख के जलो नहीं बल्कि खुदा की तारीफ करो और कहो खुदावंद आपका धन्यवाद, मेरा भाई उठ रहा है। खुदावंद कहेगा तेरा भी वक्त आएगा, चिंता ना कर, और तेरे को भी मैं उठाना शुरू करूंगा। Humble yourself in the sight of the Lord. खुदा की दृष्टि में अपने आप को दीन करो, and he shall lift you up. और वो तुम्हें बढ़ाएगा। वो तो करो नहीं और फिर लग जाओ इन्हें काटने में। इनकी मीटिंग को अटैक करता हूं, इनकी मीटिंगों को मैं मिस करूंगा, इनकी मीटिंगों को मैं बायकॉट करूंगा, सुन रहे हैं आप। और
बहुत ज्यादा हेलो प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ही इज्जत मिल रही है इनको। समझ मारी आपके प्यारे भाई? यही हुआ था सन 2004 में, मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये चीजें, ये एक आत्मा है और इसको नबी समझा रहे हैं कटीली झाड़ियां। क्या भद्र आशीष आप इससे इम्यून हैं? मैं भी आपके समान भद्र एक इंसान हूं, कभी इंसान होने के नाते कभी कभी ये चीजें हो सकता है दिल में हमारे भी गुजरे, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, एक आग आ चुकी है वो उसे भस्म कर देती है। फिनिश्ड, फिनिश इट, खत्म। That's why we are talking about the Holy Ghost. Amen. इसलिए हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट विषय है। Amen. See how it says. Let me read further. देखिए मैं पढ़ूंगा आगे। Time is also moving. समय भी बढ़ रहा है। Yes. That's not just a story. ये मात्र कहानी नहीं। That's the truth. ये सत्य है। That's what God said. ये खुदा ने कहा था। That's what He has promised. यही वो है जिसका उसने वायदा किया था। That's what the bride goes to. यही है जहाँ पर दुल्हन जाती है। Even the desert. हाँ, वो यहाँ तक कि रेगिस्तान भी। He said, "Shall blossom be a rose." उसने कहा कि उसमें खिलेगा एक गुलाब। Satan, sin and sinners has gone forever. शतान, पाप और पापी सब हमेशा के लिए चले गए। It's all done. ये सब खत्म हो चुका। Blended it into eternity. बिल्कुल ये मिल गया है अनंता में। And all that was perverted. और वो जो कि सब कुछ बिगड़ चुका था। That great archangel. वो महान बड़ा दूत। That sat there one day. जो वहाँ एक समय बैठता था। Satan. शतान। That did all this evil. जिसने वे सब कुछ बुराई करी। Will be destroyed. बर्बाद हो जाएगा। Remember my brother. याद रखिए मेरे भाई। It's not these feelings. ये वो अनुभूतियाँ नहीं। Which we get. जो हमें मिलती हैं। It's damn demons. ये वो दुष्ट आत्माएं हैं। And we are not fighting with flesh and blood. और हम मांस और लहू से नहीं लड़ते। We are fighting against the spiritual powers of darkness. हम उन आकाश की शक्तियों के विरोध में लड़ने जो अंधकार की हैं। Are you understanding, church? क्या आप समझने कलीसिया? That's right. ये बात ठीक है। जो मैंने अभी सेमिनार में बोला, शाउल के जीवन से जब खुदावन का रहम उठना शुरू हुआ, पहली बात तो एक दुष्ट आत्मा के सताने लगी, लिखा है। अगली चीज क्या हुई? आपने एक आदमी को टारगेट बना लिया जिनका नाम है डेविड। कुछ करूंगा, इस दाऊद को मैं खत्म करूंगा। दाऊद को खत्म करने के चक्कर में इतना आप बिजी हो गए कि अपने असली दुश्मन को भूल गए। और कुछ अध्यायों के बाद वो असली दुश्मन जिसका नाम फिलिस्तीन है, वो आपके बिल्कुल घर के आंगन में घुस गया। पढ़िए बाइबल में, आपको मैं नक्शे पे दिखाऊं। और अब आंख खुली, साउल भाई फिलिस्तीन आ गए, अरे हमें कुछ करना है। बोले बहुत लेट हो चुका, तो अंदर तक आ गया भाई, वो तो बिल्कुल आपके सिरहाने बैठा है। आओ दुआ करें। खुदा कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ना दर्शन, ना ख्वाब, ना उरीम थुमीम, कोई जवाब नहीं। तब कहते हैं क्या करें? तब उतर के कहां पहुंचे? एक भूत सिद्धनी के पास। क्या बाइबली बस फरमाती है? यह होता है ब्रदर, यह है बाइबल की कहानी। कहानी नहीं, असलियत जो घटती है जीवनों में। फाइनली एंड अप होते हैं कहां पे? भूत सिद्धनियों के यहां। और पूछते हैं कि सैमुअल की आत्मा बुला सकती हो? उन्हें तेरा कुछ नहीं होगा। फाइनली उन्होंने लास्ट खाना भी खिलाया उसे, भूसिद्धनी ने लास्ट डिनर, कि अब आप आ गए हो तो आप खाना खा के ही जाओ। तो भूसिद्धनी के यहाँ का डिनर खा पी के तब गए मरने। पढ़िए बाइबल में लिखा है, अगले दिन उसकी मौत थी। कारण आप एक आदमी को इतना टारगेट करने लगे, आपकी आंखों में वो ऐसा कांटा बना हुआ खटक रहा है, पूरे दिन पूरी रात केवल एक चीज, डेविड, डेविड, डेविड। आपकी कुछ समझ आ रही है?
पवित्र आत्मा पाया हुआ जन इन चीजों से अब दूर हो चुका। सुनमाया आपके, ये खैर पुराने नामे की तस्वीरें हैं। जब आप नए नामे में आए, क्या पौलुस और बरनबास में टंटा हुआ? आमीन। जॉन मार्क को लेके? आमीन। लेकिन कुछ अध्यायों के बाद आप पत्रियों में पढ़ें, पौलुस जॉन मार्क की सराहना करता है। पढ़िए बाद में लिखा है, यानी वैसी जुदाई नहीं कि हमेशा की हो गई, लेकिन ये कि वो साथ में नहीं गया, लेकिन उसके बाद जॉन मार्क की उसने बाद में फिर भी सराहना करी। और ये जॉन मार्क कौन कौन है? जॉन मार्क ये वही जॉन मार्क है जिसने मरकुस की इंजील लिखी। बाइबल पढ़ा करिए। मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूं, ये सब वचन है। That's why. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम समझें। फर्स्ट थिंग, पहली चीज, पौलुस कह रहा है मैं रोज परख कर देखता हूं कि मैं विश्वास, परख कर देखो कि विश्वास में हो कि नहीं। I die daily. मैं हर रोज मरता हूं। Is it important to die daily? क्या ये महत्वपूर्ण है हर रोज मरना? Yes, brother. जी हाँ भाई। Go to the cross. क्रूस पे जाइए। Finished, Lord, I'm nothing. अपने आप को खत्म कीजिए, बोलिए प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। Burn this all nonsense. इस सब बकवास को जला दीजिए। Amen. Still you are in this body. अभी भी आप इस देह में हैं। So that devil has still a right to bring those thoughts. फिर शैतान के पास अभी भी वो अधिकार है उन विचारों को लाने का। But the prophet said. पर नबी ने कहा। You got a double-barrel gun. आपके पास एक दो नाली वाली बंदूक है। That you can cast down all these imaginations. कि आप हर एक इन किस्म की कल्पनाओं विचारों को नीचे गिरा सकते हैं। Shoot it with the word. वचन के द्वारा उसको धाराशाही कर दीजिए। Finish it off. खत्म करिए। That's my brother. ये है मेरा भाई। That's my sister. ये है मेरी बहन। नबी ने कहा जब मैं उस अय्याम में पहुंचा, मुझे ऐसे चिपट के मिले भाई और बहन, ऐसा लगा जैसे कि कहां थे, Amen. जैसे कि परिवार में वापस लौटा हूं। Hallelujah. Amen. वहां ऐसा ही है। Amen. वही अगर पृथ्वी पे आ जाए तो क्या कहने, Amen. और होगा। आमीन। जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके जीवनों में यही होगा। Amen. Hallelujah. If there's somebody somewhere, अगर कोई है कहीं पर, Lord, this cactus is growing in my life. प्रभु ये कैक्टस, ये कटीला पेड़ मेरे जीवन में बढ़ रहा है। Burn it, Lord. प्रभु इसे जला दीजिए। You always have grace. आपके पास हमेशा अनुग्रह रहा है। He will send his fire. वो अपनी आग को भेजेंगे। Burn that out of you. और उसको आप में से जला के खत्म कर देंगे। प्रभु ये मेरी कमजोरी है कि मैं जलन में फूंक बहुत जल्दी जाता हूँ। मैं फूंक बहुत जल्दी जाती हूँ। अब आप इसे ही फूंक दीजिए। Amen. क्या दुआ सही है? Yes. Yes, brother. Yes, sister. Amen. जी हाँ मेरे भाई, जी हाँ मेरी बहन। God's name be praised. खुदा का नाम जलाल पाए। All these are signs of curse. ये सब कुछ चिन्ह हैं श्राप के। And when the Holy Ghost comes, और जब पवित्र आत्मा आता है, these curses go away. ये तमाम श्राप चले जाते हैं। Let me read something for you. आइए मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा। Satan, sin and sinners has gone forever. शैतान, पाप और पापी हमेशा के लिए चले गए। It's all done. सब कुछ हो चुका है खत्म। Blended it into eternity. और सब कुछ अनंतता में विलीन हो गया। And all that was perverted. सब कुछ जब बिगड़ा हुआ था। That great archangel. वो बड़े दूत ने। That sat there one day, Satan. जो वहाँ एक समय बैठता था शैतान। That did all this evil. जिसने सब बुराई करी। Will be destroyed. बर्बाद हो गया। You remember? आपको याद है? The Bible said. बाइबल ने कहा। If that soul won't do as he did. अगर वो प्राण वैसा ना करे जैसा उसने कहा, said, do he will even destroy that soul? कि उसने कहा कि हम यहाँ तक कि उस प्राण को बर्बाद कर देगा। But you see, पर आप देखेंगे, he can't destroy himself. वो अपने आप को बर्बाद करके, he can't destroy himself. खुदा अपने आप को नहीं बर्बाद कर सकता, and remain God. और खुदा बना रहे। आपने लाइन पढ़ी ध्यान से, he can't destroy Himself. Amen. वो अपने आप को स्वयं को बर्बाद नहीं कर सकता और फिर भी खुदा बना रहे।
So if that soul is of the world, तो अगर वो प्राण इस पृथ्वी का है, it has to be destroyed. तो उसे तो बर्बाद होना पड़ेगा. But if it's eternal with God, पर अगर वो अनंत है खुदा के साथ, it never did begin. तो वो कभी शुरू नहीं हुई. Because it's part of God. क्योंकि वो खुदा का अंश है. And can never be destroyed. और कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता. God cannot destroy himself. खुदा अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते. Hallelujah. You are a part of God. आप खुदा का एक हिस्सा हैं. Amen. You see that? आपने देखा इसको? How blessed this thought is. कितना मुबारक ये विचार है. Hallelujah. If God destroys you, he's destroying himself. अगर खुदा ने आपको बर्बाद करते हैं तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं. He cannot destroy himself. वो अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते. He cannot. He's always. वो कभी नहीं कर सकते अपने आप को. वो हमेशा से हैं. That's why you are always. इसलिए आप भी हमेशा से हैं. Amen. Because it's part of God. क्योंकि ये खुदा का हिस्सा है. And can never be destroyed. कभी बर्बाद नहीं हो सकता. Amen. What a beautiful, how thankful that the church ought to see that. ओ कितना खूबसूरत है. कितना धन्यवादी होना चाहिए कलीसिया को देखना चाहिए. Amen. I will just stop here a minute and say a few words and finish the meeting. मैं यहाँ पर रुकना चाहूँ कुछ बातों को कहकर मीटिंग बंद करना चाहूंगा. Turn with me to Genesis. मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति. Because I can go on reading, but I'll read it maybe the next time, Lord willing. पर मैं पढ़ सकता हूँ, पर मैं लॉर्ड प्रभु की मर्जी हो तो अगली बारी पढ़ूं. Genesis 3. उत्पत्ति 3. And I'll start reading from verse 14. और आइए हम 14वीं आयत से पढ़ना चालू करें. Yes, Hindi, brother. तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए जब तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित हो. तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. फिर स्त्री से उसने कहा yeah. मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा. तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी. yes. और वो तुझ पर प्रभुता करेगा. और आदम से उसने कहा, उन्हें जो अपनी पत्नी की बात सुनी कि और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी तुझे दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है. उसकी तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी. ये पढ़ा आपने? आमेन. ये कांटे ऊंट कटारे कब आना शुरू हुए? श्राप के बाद. आमीन. आपको दिख रहा होगा, पढ़िए. और तू खेत की उपज खाएगा. हाँ हाँ. और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा. ये पसीना कब से आना शुरू हुआ? श्राप के बाद. ये भी आप देख सकते हैं. आगे पढ़िए. और अंत में मिट्टी ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. डेथ स्ट्रक हिम. मृत्यु ने उसको पकड़ लिया. And thorns and thistles and all these which are curses. और ये ऊंट कटारे ये तमाम चीजें सब श्राप हैं. Are you following with me? क्या आप समझ रहे हैं मेरे साथ? Amen. This is where God put a curse on the earth. ये वो जगह है जहां पर खुदा ने एक श्राप डाला पृथ्वी पे. Cursed is the ground for thy sake. भूमि तेरे कारण श्रापित है. Is that the line? क्या ये है पंक्ति? Amen. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Thorns and thistles shall it bring. ऊंट कटारे वो पैदा करेगी. And you shall labor in it. और तू उसमें मेहनत करेगा. And sweat it out. और पसीना भाएगा. Now turn with me. This is where the Old Testament began. ये वो जगह है जहाँ पर पुराना नियम चालू हुआ. In Genesis, we just read. उत्पत्ति में हमने भी पढ़ा. Now let's see the closing of the Old Testament. और आइए अब देखते हैं उस पुराने नियम के बंद होने को. Malachi 4. मलाकी 4. And let's read verse 5 and 6. और आइए हम उसकी पांचवी और छठी आयत को पढ़ेंगे. Yes, brother. देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा. वो पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा कि ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का श्राप से सत्यानाश करूं. श्राप लिखा है वहां हिंदी में? नहीं लिखा, आपने पढ़ दिया. ये शब्द एक्चुअली हिंदी की बाइबल में उधर है ही नहीं. Yes, curse नहीं. आप जरा मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं. Amen. Lest I come, ऐसा ना हो कि मैं आऊं, and smite the earth with a curse, और पृथ्वी को
श्राप से सत्यानाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं जब आऊं तो मैं पृथ्वी को श्राप दूं जो मैं बागेदन में दिया था। कंपेयर करिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन मलाकी 4 कम्स, जब मलाकी 4 आता है, हिज मैसेज विल प्रिपेयर अ वे, उसका संदेश एक मार्ग तैयार करेगा, टू टेक दैट कर्स ऑफ, ताकि उस श्राप को हटा दे। आमेन, हालेलुया। व्हेन हार्ट्स आर टर्न्ड, जब हृदय फेरे जाते हैं, ऑफ द चिल्ड्रन टू द फादर्स, उन पुत्रों के पितरों की ओर, द कर्स विल गो अवे, वो श्राप चला जाएगा। आमेन, आमेन, बिफोर आई डिस्ट्रॉय द अर्थ, ओ इससे पहले मैं पृथ्वी को बर्बाद करूं, आई विल सेंड यू इलाइजा, मैं एलिया नबी को भेजूंगा, हिज मैसेज, उसका संदेश, विल टर्न द हार्ट्स, वो हृदयों को फेरेगा। एंड व्हेन दैट हैपेंस, और जब वो होगा, Lest I come, कहीं ऐसा ना हो मैं आऊं। Thank God, खुदा का धन्यवाद हो। This age, ये युग, when He came, जब वो आया, in His word body, अपनी वचन की देह में, He cannot curse, वो श्राप नहीं दे सकता। He came with a blessing, वो एक आशीष के साथ आए। This time, is the bar, when the headstone came, जब चोटी का पत्थर आया, it cried grace. Grace. वो अनुग्रह अनुग्रह पुकारता हुआ आया। Why? क्यों? Because on this earth, क्योंकि इस पृथ्वी पे, there was a Zerubbabel, एक Zerubbabel था, depending on his grace, जो कि उसकी अनुग्रह पे आधारित था। And it was said, और ये कहा गया, not by might, ना तो बल से, not by power, ना शक्ति से, but by my spirit, पर मेरी आत्मा के द्वारा, saith the Lord of hosts, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, who had despised the day of small things, छोटी बातों के दिन को किसने चूस जाना है, who had despised the day of resurrection of little fish, किसने, amen, छोटी मछली के पुनरुत्थान के दिन को तुझ जाना है। If it's happening, अगर ये हो रहा है, it'll happen more, ये और होगा। Catch that thought, brother, इस विचार को पकड़िए मेरे भाई। Why I'm saying these things, क्यों मैं कह रहा हूं इन बातों को मेरे भाई, to make you understand, precious brother, ताकि बेशकीमती भाई आपको ये समझाऊं, to take that curse off, कि उस श्राप को हटाने के लिए, God sent a messenger, खुदावन ने एक संदेशवाहक को भेजा है। Now just sit down and read the scripture with me and I'm closing. बैठिए, एक और आयत पढ़ेंगे, मेरे साथ बंद कर रहा हूं। Galatians, गलतियों, chapter 3, तीसरा अध्याय। हा, amen. Verse 13 and 14, 13वीं और 14वीं आयत। I'm reading it in English, मैं अंग्रेजी में इसको पढ़ रहा हूं। I love reading that. ओ, मैं प्रेम करता हूं इससे पढ़ना। ऑफ कोर्स सारी आयतें मुझे बहुत प्यारी हैं। आमीन। उस टाइम टाइम बचाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूं, भाई ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। क्राइस्ट हैथ रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप समझ पाए, हु इज दिस क्राइस्ट टूडे, कि ये मसीह आज कौन है। Amen. The one who came in the cloud. वो जो बादल में आया। Amen. Hallelujah. How many of you know? कितने आप में से जानते हैं? All those who are born by the old birth are under law. वे तमाम जो पुरानी पैदाई से पैदा हुए व्यवस्था के नीचे हैं। Then why did this coming happen? तो फिर ये आमद क्यों हुई? To take us out of this curse. ताकि ये श्राप इस जगह से हटाया जाए। To take us to a new body. ताकि हमें एक नई देह में ले जाया जाए। Amen. Christ hath redeemed us. मसीह ने हमें छुड़ाया है। From the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से। Being made a curse for us. जो हमारे लिए श्राप बना। Yes, Lord. Our curses on him. हमारे श्राप उस पे आ गए। क्या कभी कोई करेगा ऐसा काम? No. This is the love of God. यह है खुदा का प्रेम। Amen. Hallelujah. तुम्हें सब श्रापित कहते हैं ना? आज मैं आया हूं तुम्हारे श्राप अपने पे लेने। Amen, hallelujah. अब मेरी बरकतें तुम्हारी। Amen. कोई करेगा कभी? Will anybody do like that? क्या कोई ऐसा कर सकता है? The Bible says, बाइबल कहती है, He became a curse for us. वो हमारे लिए श्रापित हो गया। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई।
ते तो कोख पे श्राप है, तेरे बच्चे नहीं पैदा होते। कहते हैं गांव में जाओ ऐसे आपको खूब सुनने को मिलेंगे, मसीह के पास आ जाओ। आमीन। खैर अब्राहम का जैसा कहानी, कोई टाइम खुदावन के पास, वो टाइम की बात फर्क है। आमीन। बट इट डजंट मीन कि इट नॉट गोइंग टू हैपन, इसका मतलब ये नहीं कि होएगा नहीं। इवन दीज फिजिकल थिंग्स, यहां तक ये भौतिक चीजें भी, दे गो ऑफ, ये चली जाती हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है, लॉ ने कहा व्यवस्था में, हराम की औलाद यानी कि जिनके खानदान की पीढ़ियों में कुछ गलत हुआ, वो खुदा के भवन में 10 वंश तक आए नहीं। वहां एक बहन थी जिनका नाम था सिस्टर शेपर्ड, उनके फैमिली ट्री में ऐसा हो चुका था। वो परेशान आयत पढ़ के अपने हस्बैंड से कह रही, तो क्या हमें चर्च नहीं जाना चाहिए अब? बड़े परेशान। और तब उन्होंने भाई बहनों को चिट्ठी लिखी, भाई में खड़े हुए अपने सेक्रेटरी भाई बिली पॉल से, लिखो उसको चिट्ठी बहन को कि मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ, अब भाई बहन हम चल रहे हैं और घूम रहे हैं और देख रहे हैं, लिखो सिस्टर शेपर्ड, पुरानी पैदाइश से हम सब हराम की औलाद थे, सुनो ध्यान से, हम में से किसी की पैदाइश ठीक हुई नहीं, लेकिन नए जन्म से पुराने जन्म के असर खत्म हो जाते हैं। क्या कुछ समझ में आया आपको? यानी खानदान में जो गुनाह थे वो भी कर्ज हट जाते हैं। आपने तो व्यवस्था में कहा कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी विजिट करूंगा उनके गुनाह, जिसको नया जन्म मिल गया वहां कैंची चल जाती है, वो पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के गुनाह अब आप पे एप्लीकेबल नहीं है। आराम से आइए चर्च, खुदावन की बरकतें लीजिए, वो कर्ज खत्म हो गए। अरे ब्रदर, अगर किसी का समझ में आ गया वो छत से लगेगा आज। Christ hath redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। Being made a curse for us. जो हमारे लिए खुद एक श्राप बना। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That's what this table is for. इसलिए मेज है। To remember that death. ताकि हम उस मृत्यु को याद करें। For it is written. क्योंकि ये लिखा है। Cursed is everyone that hangeth on a tree. जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और आप काठ पे ही लटकाए गए। Amen. आप काठ पे ही लटकाए गए। Amen. मेरी मृत्यु की यादगारी में यही किया करो। Amen. याद करो किसी ने तुम्हारे श्राप लिए। Amen. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. जिसका मांस खाते हो, जिसका लहू पीते हो, ये वो है जिसने तुम्हारे पुराने से पुराने श्राप खत्म कर दिए। आज तुम श्राप के नीचे नहीं हो। कईयों में घूमता हूं घुमा रादर, ये तो भाई पुराने जन्म के कर्म हैं। सुना आपने, ये तो पुराने जन्म के कर्म है जिसको अब हम भुगत रहे हैं। साफ साफ बोलते हैं लटकाए हुए चेहरे के साथ, खैर हमारे खानदान में कोई अच्छा हुआ ही नहीं, ये तो हमारे पुराने कर्म हैं जो अब। अरे बेटा, कर्म 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 करमचंद, तू तो हो गया बर्बाद। ये तो हमारे पुराने कर्म हैं जिनको हम भुगत रहे हैं। खैर एक टाइम अच्छा भुगते तो कभी बुरा भी भुगतना चाहिए, कहते नहीं कहते? ब्रदर मैं आपसे आज उल्टी बात कहने आया हूं, यहां कर्म का लेखा देना है ही नहीं ना। नो 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 नो, नो। ये तो पुराने काम थे, कोई काम नहीं। जो मसीह के लहू के नीचे गया वो ऐसा विरंजक कि वो काम ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं लुटी पिटी रूथ को देखो, क्या उसके घर में वाली ये बात नहीं हो सकती? खैर हुआ नहीं, बहुत बढ़िया सास मिली। लेकिन अगर आज कि कोई जैसे खानदान की बात हो जो दुनिया में चलती है कहानियां, जब से इस लड़की घर में आई है, देखो पहले बाप मरा, फिर वो भाई मरा, फिर इसका पति मरा, जब ये आई हमारे घर में मौत लेके आई है, ये है नहीं। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेचारी श्रापित है, नाओमी को नहीं छोड़ा उसने, नाओमी ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया उसके साथ, उसने कभी कुड़ा, तुम जब से घर में आई हो, सुन रहे हैं आप,
तुम जब से घर में आई हो हमारे घर में तबाही लेके आई हो, जाओ अपने घर। तुम ना आती तो बेहतर था। कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हारी शक्ल देखी, तुमसे शादी करवाई अपने बेटे की। सुन रहे हैं आप? सब चुप हो जाते हैं यार, क्या चक्कर है? सोच, सच बात है, सोचना तो चाहिए। नाओमी ने ऐसा नहीं किया। नाओमी को मालूम है हम ही गलत थे कि हम इज़राइल छोड़ के आए। फिर भी देखिए खुदा की योजना क्या होती है। लुटी पिटी माथे पे तमाम शराब लिए, लेकिन जो भी थी बेचारी उसने उसमें भी यही बोला, तुम्हारा खुदा मेरा खुदा, आपके लोग मेरे लोग। खुदा को ही हम देख, खुदावन ये देख रहे थे। खुदा ने कहा तुझ में ही मैं तस्वीर बनाऊंगा छुटकारे की। अब जब खबर मिली कि बैतलहम में फिर से रोटी आ गई है, नाओमी ने कहा चलो मैं लौटती हूं, अब तुम लोग यहां रहो। उसने कहा नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। लुटी पिटी जब नाओमी लौटी, मुझे नाओमी नहीं मारा कहो, और ये रही मेरे साथ एक और मरी मारा जिसका नाम है रूथ। लेकिन रूथ ने वहां पहुंचने के बाद अपने रोने दुख नहीं किए, उसने कहा मां मैं जाती हूं थोड़ा खाना लेके आया हूं आपके लिए। और वहां से फिर खुदा ने एक नई कहानी चालू करी। फिर वो पहुंची खेत में, फिर आपको कहानी मालूम है, आप हमारे निकट कुटुंबी हैं। जिस दिन निकट कुटुंबी मिला सारे श्राप खत्म, सारे श्राप खत्म। जो श्रापित मनहूस समझी जाती थी आ गई मसीह की वंशावली में। ये खुदा है प्यारे भाई जो श्राप यूं हटा देते हैं। ओह प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। आई एम हैप्पी टुनाइट, आमेन। Aren't you happy tonight? क्या रात्रि आप खुश नहीं हैं? Somebody paid the price. किसी ने दाम चुकाया है। Can you say thank you, Lord Jesus? क्या आप कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु? Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I owe my life to you. मैं अपने जीवन का कर्जदार हूँ आपके लिए। You took away my sins. आपने मेरे पापों को हटा दिया। You took away my curses. मेरे श्रापों को हटा दिया। Gave me the blessings of Abraham. Hallelujah. मुझे अब्राहम की आशीषें दी हैं। Because the very next verse says, क्योंकि अगली आयत यही कहती है, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। Through Jesus Christ alone. यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा। That we might receive the promise of the Spirit through faith. ताकि हमें विश्वास के द्वारा उस आत्मा का वायदा मिले। In other words, दूसरे शब्दों में, the minute the Holy Ghost comes, जिस क्षण पवित्र आत्मा आता है, God says, खुदावन ये कहते हैं, you are not cursed, तू श्रापित नहीं है। Oh hallelujah, the baptism of Holy Ghost, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, the token, वो चिन्ह, is a sign, वो चिन्ह, वो प्रतीक है, the curse is taken off. श्राप हटा दिया गया। Even this body, यहाँ तक इस देह में भी, is under redemption. ये देह भी छुटकारे के नीचे है। Are you listening, brother, sister? क्या आप सुनने मेरे भाई मेरी बहन? Thank you, Lord. अब दो आयतें आ गई, मैं बंद कर रहा हूँ। Amen. एक आयत कह रही है मलाकी चार को भेजूंगा। Amen. ऐसा ना हो कि पृथ्वी श्रापित करूं। और 2000 साल पहले आए पौलुस भाई ने कहा कि मसीह काठ पे लटकाएगा कि हमारे श्रापों को ले लें। मिलाओ। Amen. Hallelujah. Same Christ. वही मसीह। Crucified Christ. वही क्रूसित हुआ मसीह। Came in a ministry. एक सेवकाई में होके आया। Malachi 4. मलाकी 4 में। That I may know him in the power of his resurrection. कि मैं उसे उसके मृत्युंजय की सामर्थ में जानू। Dragon hear the high calling. ताकि मैं उस ऊंची बुलाहट को सुन पाऊं। I run with patience this race. मैं बड़े धीरज से इस दौड़ को दौड़ता हूं। Forgetting those things which are behind. उन चीजों को भूलते हुए जो पीछे की हैं। But press
pressing to the mark. पर उस निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ. Are you happy for that? क्या आप इसके लिए आनंदित हैं? Hallelujah. My precious brother. मेरे बेशकीमती भाई. That same crucified Christ. वही क्रूसित हुआ मसीह. Now cross came in the cloud. अब cross, क्रूस इस बादल में होके आई है. And got rejected. और तिरस्कृत हुई. Rejected Christ. वो तिरस्कृत मसीह. That's right. Amen. ये बात ठीक है. Why did he come? क्यों आए? Why was this message looked down? क्यों इस संदेश को नीचा दिखाया गया? It had to be crucified. उसे जरूरी था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए. But when that crucifixion took place, पर जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाना हुआ, it was your and my rejection he took on him. ये आपका और मेरा वो तिरस्कार होना था जो उसने अपने ऊपर ले लिया. Now that message came to your house. अब वो संदेश आपके घर तक पहुंचा. In the form of these tapes. इन टेप्स के रूप में. When you pray, press and play those tapes. जब आप वो प्ले का बटन दबा के उनको सुनते हैं टेपों को. When you hear them. जब आप उन्हें सुनते हैं. You're hearing that Christ. आप उस मसीह को सुन रहे हैं. Who took your curse. जिसने आपके श्राप को ले लिया. My hallelujah. Amen, amen. I don't know how many really understood it. मैं नहीं जानता कितने समझ पाए. अब समझो या ना समझो. Oh, hallelujah. एक काम चालू कर दो. Amen, amen. उस आवाज को घर में लगाओ. उस amen, yes, hallelujah. And you'll find. और आप ये पाएंगे. All that old things will go off. वो तमाम पुरानी चीजें चली जाएंगी. Even the blackness of mind. यहाँ तक कि मन का अंधियारापन चला जाएगा. Everything will pass off. सब कुछ हट जाएगा. Lives will be restored. जीवन बहाल हो जाएंगे. And you will be where you should be. और आप वहाँ होंगे जहाँ आपको होना चाहिए. Are you happy for that? क्या आप इसके लिए आनंदित हैं? Amen. So Christ took our curse. तो मसीह ने हमारे श्राप को लिया. He has already taken our curse. There's no curse on a believer now. अब कोई श्राप नहीं विश्वासी के ऊपर. लेकिन ब्रदर अभी जिस्म पे तो पुराने असर श्राप के दिखते ही हैं कुछ समय के लिए. Yes. It's in the process. ये अब क्रिया में है. Like the earth is in a process. जैसे पृथ्वी अपनी क्रिया में है. But the blood has been dropped. पर लहू तो गिरा दिया गया. Oh. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. That pale horse rider died. वो पीला घुड़सवार मर गया. And Christ won. मसीह जीत गए. Another white horse rider. और अब श्वेत घुड़सवार. The word. वो वचन. From the beginning. जो आरंभ से है. Is now riding in our hearts. वो हमारे हृदयों में सवारी कर रहा है. In this final ride. अपनी इस आखिरी सवारी में. To take this bride home. ताकि इस दुल्हन को घर ले जाए. Amen. क्या बात समझ में आई आपके? Amen, amen. What's the things which we can do? कौन सी वो चीजें जो हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. Yes, amen. यही आज का मैसेज. Amen. दो तीन घंटे की मीटिंग के बाद फिर हम ये समझाइए हमें क्या करना है. कुछ नहीं. यही है मेरा मैसेज. ये कैसा मैसेज हुआ जो हमें सिखाए नहीं कि क्या करना है. मैं यही तो सिखा रहा हूं. कुछ नहीं. Amen. You can't do anything. आप कुछ नहीं कर सकते. कहते हैं आज सबक क्या सीख के आए. सबक ये सीखा हम कुछ नहीं कर सकते. Amen. तो क्या करें? बस माथा जमीन पे लगाओ. Yes, hallelujah. प्रभु से रहम मांगो. आमीन. हाँ, पवित्र आत्मा अगर नहीं मिला तो मांगो कि प्रभु मेरे. और मैं एक और चीज बोलूंगा. आमीन. ये कई बार लोग सोचते हैं मेरे पास है तो मैं यहाँ इस कैटेगरी में नहीं आता. लेकिन आप एक मायने में आते भी हैं. yes. आपको रिफिलिंग्स चाहिए. आमीन. यस. आमीन. इसलिए जब कभी पवित्र आत्मा की बात हो पहले हाथ उठा दो. आमीन. मुझे भी चाहिए. yes. कि मुझे तो हमेशा चाहिए. yes, और अपनी आत्मा से भरे मुझे. oh, yes, Lord. क्या सच्चाई है? आमीन. yes, God really bless you. खुदा आपको बरकत दे. और एक चीज प्रभु बस अपनी समझ डालें. Amen. मैं केवल आप पे रहम पे चलना चाहता हूँ. मुझे आपके न्याय नहीं चाहिए. Amen. मैं आपकी ग्रेस चाहता हूँ. मैं कई बार मुझे मालूम है लॉर्ड आज का मैसेज जो से हुआ आप बोलिए प्रभु से मन में घर में जाके जैसे भी कई जगहों पर मैं भी फंसा. जैसे बात ऊंट कटारों की हो रही थी तो ये तो मेरे जीवन में भी है. कई जगहों पर हम भी एक बुरा सोच लेते हैं. प्रभु मुझ पर रहम करें. Amen. कि मेरे जीवन से बातें जाती रहें. मैं इनको नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन आप निकालें. और आप देखिए प्रभु कैसे निकालते हैं. He is a wonderful God. वो एक बहुत अद्भुत खुदावन है. हालेलुया. He changes the heart without a stitch. वो हृदय को
बिना जोड़ लगाए हुए बदल देते हैं. द ग्रेटेस्ट हार्ट सर्जन, सबसे बड़े हार्ट के सर्जन है. चेंजेस द हार्ट, जो हृदय को बदल देते हैं. विदाउट अ स्टिच, बिना सिलाई किए हुए, बिना टाका डाले हुए. I hope you understand again. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे. So if you want a change of heart tonight, अगर आप हृदय परिवर्तन चाहते हैं आज रात्रि, change my heart, oh Lord. Oh, मेरे प्रभु, मेरे हृदय को बदल दें. I need you this hour. मुझे इस घड़ी में आपकी जरूरत है. I surrender, Lord. मैं सब देता हूँ. Yes, Lord. I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता. The best I can do, Lord. सबसे बड़ी चीज जो मैं कर सकता हूँ is nothing. वो कुछ नहीं है. You are the one thing needful. आप ही हैं वो एक चीज जो जरूरतमंद है. जरूरी These है people, Lord, ये लोग. I raise my hands to you. मैं अपने हाथों को उठाता हूँ. And say, Lord Jesus, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु, forgive us. हमारे को माफ करें. We can't do anything. हम कुछ नहीं कर सकते. But we believe you. पर हम आप पे विश्वास करते हैं. And the one you sent. और उस पे जिसको आपने भेजा है. Amen. The word of this hour. इस घड़ी के वचन को. My atonement. मेरा प्रायश्चित. My kinsman. मेरा निकट कुटुंबी. I put my whole confidence in you. मैं अपना पूरा भरोसा आप में रखता हूँ. I pour my heart before you. मैं अपने हृदय का कर्जदार हूँ आपके सामने. Even many things I heard, Lord. यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ जो मैंने सुनी. I too am guilty. मैं भी उसमें दोषी पाया जाता हूँ खुदावन. But we lay our hearts before you. पर मैं अपने हृदय को आपके सामने रखता हूँ खुदावन. Change it, O Lord. इसे बदल दें खुदावन. Yes. Make us new. हमें नया कर दें. Fill us more, Lord. हमें और भरे खुदावन. With our Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. And those who don't have it. और वो जिनके पास नहीं है. Fill them, Lord. उन्हें भी भर दें. Visit them, Lord. उनके पास जाएं खुदावन. Like that dad and mom prayed. जैसे मम्मी पापा ने प्रार्थना की. We as spiritual fathers and mothers pray. हम जो आत्मिक माता पिता हैं उसके रूप में हम प्रार्थना करते हैं. For those who are backslidden. उनके लिए जो पीछे हट चुके हैं. Those who have gone out. वो जो बाहर चले गए हैं. Lord, bring them back. प्रभु उन्हें वापस ले आए. Give them a genuine repentance. उन्हें एक वास्तविक पश्चाताप दें खुदावन. That when they return back. कि जब वो वापस लौटें. They return back changed man. कि वो वापस ऐसे लौटें कि वो बदले हुए शख्स हों. Change brother, change sister. बदला हुआ भाई, बदली हुई बहन. Is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है खुदावन. And when we come to this table. और जब हम इस मेज पे आते हैं खुदावन. We remember your death. हम आपकी मृत्यु को याद करते हैं. If you hadn't died, अगर आप ना मरे होते, our curses wouldn't have gone. हमारे श्राप नहीं जाते. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. For that death. उस मृत्यु के लिए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Our heads are bowed to the ground. मेरे हृदय, मेरा सर जमीन तक झुकता है खुदावन. In adoration of you. आपकी इज्जत में, आपकी सराहना में खुदावन. Useless man like me. एक निकम्मा आदमी मुझ जैसा. You cared so much. आपने उसकी इतनी चिंता करी. And you died on that cross. आप क्रूस पे मर गए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. You died for us. आप हमारे लिए मरे. And paid the price. आपने दाम चुका दिया है. We praise your holy name. हम आपके पवित्र नाम की तारीफ करते हैं. Blessed be your name. मुबारक हो आपका नाम. You took our curses. आपने हमारे श्रापों को लिया. You became our kinsman. और आप हमारे निकट कुटुंबी बने. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. And gave your blessings to us. और अपनी आशीष हमें दी. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद पिता. We offer this thanksgiving. हम ये भेंट खुदावन धन्यवाद देते हैं आपको. In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Let this not be the end, brother. यह अंत ना हो मेरे भाई. Go with this anointing home. इस अभिषेक में घर जाएं. And just pray. ठीक प्रार्थना करें. And submit your lives to Him. और अपने जीवनों को उसके सामने समर्पित करें. Watch that change come. उस बदलाव को आता देखें. Then you see you'll be different. तब आप देखेंगे अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ. May God's name be praised. खुदावन का नाम जलाल पाए. God bless you while we are all standing. खुदावन आपको बरकत दे जबकि हम खड़े हैं दोनों. आइए हम उस कोरस को गाएंगे. Salvation, honor and glory. अपनी लाइनें बना लें.
आइए उस कोरस को गाएंगे, और जब ये गीत चल रहा होगा मैं चाहूंगा ब्रदर अजय बंजीवर ब्रदर विमल मेस को सामने लेके आए। Salvation, honor and glory and power belongs to my Lord. Salvation, honor and glory and power belongs to my Lord. His name is Jesus. Oh my Jesus. Jesus Christ, my Lord. His name is आप लोग बैठ सकते हैं। प्रार्थना